जरीन अलक वरह व कुरान मजीद के सिलसिले में आज अठारव पारा पेश खदमत है अठारहवें पारे का आगाज पूरा ममिन से होता है यानी अल्लाह सुबहान ते सूरत इसको ममिन का नाम दिया यानी अपने अहले ईमान बंदे को बंदों को आप यूँ कह लें कि उनकी इज़्ज़त अफज़ाई करते हुए इसका नाम ही मोमिन रख दिया और इसलिए भी कि इसके शुरू में जो है वो अल्लाह ताला ने अहले ईमान का या मोमिनों का तस्करा किया यहाँ पे कुरान मजीद ने तीन बातों को बयान किया एक बात तो ये कि मोमिन कौन है यानी मोमिन को डिफ़ाइन किया गया एक तो यह है कि बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं जी हम मोमिन हैं आप मोमिन हैं हम आपस में एक दूसरे के मोमिन भाई हैं कुरान किस को मोमिन कह रहा है कुरान की नज़र में मोमिन कौन है यानी साहिब ईमान ईमान वाला शख्स तो जिसमें ये करेक्टरस्टिक्स हों सिफ़ात हों क्वालिटीज़ हों जो कुरान ने बयान कर दी वो मोमिन है दूसरा कुरान ने कहा कि ये सक्सेसफुल है ये कामयाब है तो जिसमें ये क्वालिटीज़ हैं वो कामयाब है फिर तीसरा क्या कहा गया तीसरा ये कहा गया कि ये जन्नत के वारिस है किसके जन्नतफरद के जो जन्नतों में से सबसे आला दर्जे की जन्नत है तो अगर किसी बंदे के अंदर ये क्वालिटीज़ हों ये सिफात हों तो बहरहाल वो मोमिन भी है वो कामयाब भी है वो कुरानी मजीद के बयान के मुताबिक अहल जन्नत में से भी है ऐसे बंदे के साथ नरमी से पेश आए ऐसे बंदे के ऊपर तबसरा करते हुए जल्दी ना करें भले वो आपके मुखालिफ फ़िरके से ही क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो फरमाया गया कद अफलाहलमोमिन अहिल ईमान कामयाब हो गए अलदीन फी हम फीसतम ख्वाशं जो अपनी नमाजों में खुशूर ख़ुजू से काम लेने वाले हैं यानी पहले सिर्फ जो अहिल ईमान की बयान की वो ये कि नमाज खुशूर खजू से पढ़ने वाले हैं यानी नमाज की जो बातनी कैफियत है एक उसकी एपरन फार्म है ज़ाहरी सूरत जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं नमाज इस तरह से पढ़नी चाहिए उस तरह से हाथ यहाँ पर बांधने हैं रफुल यदान करना है नहीं करना आमीन ऊंची कहनी है नहीं कहनी इमाम साहब के पीछे फातिहा पढ़नी है नहीं पढ़नी ठीक है उसमें भी हमने रिसर्च करनी है बहस करनी है और हमने अपनी नमाजों को सुन्नत के मुताबिक बनाना है कम्पेटिव स्टडी करने के बाद जो आपके रिज़ल्ट होंबाइसड हो कि आप उसके मुताबिक जो है वो नमाज़ पढ़ें लेकिन उसमें कुरान जिसको फोकस कर रहा है वो उस नमाज़ का बातिन है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि पूरी सफ़ के अंदर आपको कोई एक नमाजी भी ऐसा नहीं मिलेगा जो खुशबू और खजू के साथ नमाज़ पढ़ रहा हो तो ये बहरल क्यामत की निशानियों में से है कि खुशू खजू उठ जाएगा नमाजी जो है वो बहुत ज़्यादा है मस्जिदें भरी हुई हैं वो भी जो ये कह रहे हैं कि हम सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ें खैर ये तो हर कोई कह रहा है बरेलवी हों देवबंदी हों एलदीस हों जो भी मसलक के लोग हों लेकिन हर मस्जिद के अंदर खुशू खजू के साथ नमाज़ पढ़ने वाले कितने लोग हैं यानी एहसान की कैफियत के साथ जिसको अल्लाह के रसूल से सलम ने फरमाया कि अल्लाह की ऐसी इबादत करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो या अल्लाह तुम्हें देख रहा है इस कैफ़ियत के साथ कितने लोग हैं जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं या वो कैफ़ियत जो हमें हदीसों में मिलती है कि अल्लाह के रसूल सेसम इस तरह नमाज़ पढ़ते और रोते थे आपके ऊपर ऐसे गिरिया तारी हो जाता था कि जैसे हंडिया में से उबलने की आवाज़ आती है पानी के जोश मारने की आवाज़ आती है ऐसे आपके सीने से जो है वो आवाज़ आ रही होती थी तो नमाजों के अंदर खुशू और खजू नमाज़ की जिसकी बातनी कैफियत अच्छी है जिसकी नमाज के अंदर तवज्जो अल्लाह की तरफ है तो वो पंदे मोमिन है और इस तवज्जो को बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहा करें इसके लिए प्रैक्टिस करें और उसको सबसे पहले तो ज़ेर बहस लेके आए ना जिस तरह हम ज़ाहरी मसलों को ज़ेर बहस लेके आते हैं इसी तरह बातिन की कैफियत को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है हमारे यहाँ बातें जुमा होने चाहिए हमारे यहाँ वाज़ होने चाहिए हमारे यहाँ दुरुस् होने चाहिए इस मौजू के ऊपर कि नमाज की बातनी कैफियत कैसे बेहतर बना सकते हैं अब तो जिस आलिम से भी कोई बंदा पूछता है कि मुझे नमाज में बहुत ख्याल आते हैं तो वो एक हदीस सुना के कि बस अल्लाह के रसूल से एक सहाबी को कहा था माए तरफ जो है वो बस थूक दो तो आप थूक दिया करें उससे क्या होगा उसके ख्याल चले गए वो तो कहता है जी नहीं गए तो नहीं इसको मौजू बहस बनाएं क्यों नहीं गए वो सहाबी के चले गए थे इसके क्यों नहीं गए इसको मौजू बहस बनाएं इसके ऊपर किताबें लिखें जैसे बहुत से जो है वो ज़ाहरी मसाइल के ऊपर नमाज के ज़ाहरी मसाइल पर हमने किताबें लिखी हैं और दोनों तरफ से बीसियों किताबें लिखी गई हैं तो इसी तरह बातनी की अफियत को बेहतर बनाने के लिए कि हमारी नमाज़ में तोज्जो अल्लाह की तरफ हो जाए वो जैसे अहिल हदीस के एक बहुत बड़े आलम दिन मौलाना अब्दुल्ला ग़नबी आल रहा जो मौलाना नज़ीर हुसैन देहलवी रहमा के शागिद भी थे तो मौलाना अब्दुल्ला ग़नवी आल रहा एक मरतबा मस्जिद के शहन में नमाज़ पढ़ रहे थे जैसा कि मौलाना इसाक भट्टी अली रहमा ने बयान किया और उनके पीछे और भी नमाजी थे तो अचानक जो है वो बहुत तेज़ोत तुंद जो है वो आंधी तूफ़ान और बारिश शुरू हो गई और इतनी तेज़ोत तंद जो है वो बारिश थी कि सारे लोग जो है वो छोड़ के चले गए सारे लोग छोड़ के चले गए और मौलाना मस्जिद के सेन में नमाज़ पढ़ते रहे और जैसे ही मौलाना ने जो है वो सलाम फेरा तो उनका पहला जुमला क्या था पहला जुमला उनका ये था ओहो बारिश हुई है और अब्दुल्ला को पता ही नहीं चला ये सूरत हाल थी उनकी नमाजों की तो वो सहाबा की नमाज़ों में जो कैफियत होती थी जो रसूल सल्लम की कैफियत होती थी उस कैफ़ियत को भी तो हमने हासिल करना है उसको भी हमने हासिल करना है तो यहाँ पे कुरान यही कह रहा है कि मोमिन वो है जो नमाज़ों में खुशूर खुजू अख्तियार करने वाले हैं वलिन मोरिजून जो लफ से लफ कैसे कहते हैं मीनंगस से इराज करने वाले हैं बे माना सुबह से शाम तक बैठे हैं ब्राउजिंग किए जा रहे हैं फेसबुक के ऊपर वो रील्स का एक सिलसिला है छोटी छोटे वीडियो क्लिप्स हैं यूट्यूब पे फेसबुक बुक के ऊपर शार्ट्स हैं वो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है और कोई मकसद कोई सर पैर है ही नहीं क्या मकसद है उसका ये देखा वो देखा कुछ भी नहीं है बेमकसद एक्टिविटी है नहीं बंदे मोमिन की जो एक्टिविटी होती है वो पर्पज़फुल होती है आप आखरत के लिए कुछ करो अपना आखरत को बनाओ आखरत के लिए नहीं कर सकते खिदमत खल का, का काम करो वेलफेयर का काम करो लोगों के काम हो वो नहीं कर सकते चलो अपनी कोई दुनिया संभाल लो चलो वो नहीं कर सकते स्पोर्ट्स में कम से कम जो क्रिकेट खेल रहा है वो आपको उसकी वर्जिश तो हो रही है जो सारा दिन आठ घंटे जो है वो स्क्रीन के सामने बैठा हो उसको क्या हासिल हो रहा है भले वो क्रिकेट ही देख रहा हो या वीडियो गेम्स खेल रहा हो उसको क्या हासिल हो रहा है चलो स्पोर्ट्स में एक्टिवली सपोर्ट कर रहा है ठीक है मतलब उसके अंदर शामिल हो रहा है थी? तो उसमें तो उसका कोई फ़ायदा हो रहा है तो मीनंगेस काम को छोड़ दें सारा दिन जो है जैसे गांव देहात में देखते हैं थड़े पे बैठे हुए हैं ताश खेली जा रहे हैं बंटे खेली जा रहे हैं तो वैसे ही वक्त ज़ाया कर रहे हैं वक्त ज़ाया कर रहे हैं टाइम किलिंग जिसे हम कहते हैं बंदे मोमिन यहाँ टाइम जो है वो किल करने के लिए नहीं आया टाइम बनाने के लिए आया टाइम इज़ कोल्ड उसको बनाना है हमने वरना तो बर्फ़ की तरफ वो पिघल जाएगा और, वो रहे। वो और जो मुसलिया करते रहते हैं ये मोमिन है। यानी नमाज खुशूर खुजू के साथ पढ़ेंगे मीनिंगलेस भी मीनिंगस बेम में नहीं पढ़ेंगे संजीदा एक्टिविटीज उनकी हैं बस अपने काम से काम है और तीसरा क्या अपना मुहासबा करते रहते हैं तस्किया करते रहते हैं अकाउंटेबिलिटी रात सोने से पहले सोचेंगे यार आज किसी के साथ मूँ मारी तो नहीं होगी अच्छा फला के साथ ये ऊंच नीच होगी है चलो उससे माफ़ी मांग लूँ माफ़ी नहीं मांग सकता चलो उसके लिए मफफ़रत की दुआई कर उसको माफ़ करना बहुत दफ़ा इंसान को एहसास होता है यार हो सकता है मेरे एंड पे गलती ना हो बात नहीं भी समझ में आती और इंसान हर वक्त एक जैसी कैफियत में नहीं होता कि सब्र भी कर पाए तो ऊँच नीच हो जाती है तो ऐसे में जो है वो अपना तस्की अपनी अकाउंटेबिलिटी करते रहना रात सोने से पहले बिस्तर पर लेटती हुई सोचना कोई और वक्त मुकर्र कर ले अपने रवैयों के बारे में सोचना हाँ ये रवैया ना हो कि बस जो किया बस मैंने ठीक ही किया मैं तो हमेशा ठीक ही होता हूँ ये मुनाफिकाना रवैया है वो कोई नबी है जो हमेशा ठीक होता है तो अपने जो रवैये हैं दूसरों के साथ उनको रिवाइज करते रहना एनालिसिस करते रहना वल्लिन अमल फ़रूज हाफिजून और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करते हैं अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करते हैं मुराद जिना में अडल्ट्री में बदकारी में नहीं पढ़ते वो जना नहीं करते वो मुँह मारी नहीं करते इलासवा जिम अउम मलकत ईमान फ़ैनमैर उमलमिन हाँ कोई अपनी ख्वाहिश अपनी बीवी से पूरी कर ले तो ये उसका जायज़ रस्ता है लोंडी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले तो ये जायज़ रास्ता है उसमें कोई मलामत नहीं है ख़ैर लूडियाँ तो खैर ख़त्म हो गई बांदियों का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया एक ज़माने में था फमन इब्तगा का फ़ौल आए कहूँ मिला लेकिन कोई इसके अलावा अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करेगा बदकारी के रस्ते से तो जहरी बात है यह से तजावज़ करने वाला है तो वो अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु से वसम फरमा कि दो चीज़ों की हिफाजत का ज़िम्मा ले लो मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ अल्लाह के रसूल जन्नत की गारंटी दे रहे हैं लेकिन अल्लाह के रसूल से सर हमने कहा दो चीज़ों की गारंटी मुझे दो फिर मैं जन्नत की तुम्हें गारंटी देता हूँ यानी मैं तुम्हें क्यामत वाले दिन अल्लाह से जन्नत ले कर दूंगा एक ये कि अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो वो लोथड़ा जो दो जबड़ों के दरमियान है ज़ुबान और एक उसकी हिफाजत करो जो दो टांगों के दरियान है अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो यानी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे वलदी हमले अमानात वाहद इमरा जो अपनी इमानतों को पूरा करते हैं और अपने वादों की पासदारी करते हैं जो कमिटमेंट कर लें उसको पूरा करते हैं वादे की बहुत अहमियत है और जो अमानत उनके पास है उस अमानत की भी रायत करते हैं अमानत सिर्फ़ ये नहीं है किसी ने आपके पास चंद रुपये रखवा दिए वो भी अमानत है जो सरकारी उहदे हैं ख़ास तौर पर आपके पास जो अथारटी है जो आपके पास इख्तियार हैं सरकार के डी ओ उनका नाजायज इस्तेमाल नहीं करते जो हमारे यहां हर बदकिस्मती से दूसरे सरकारी महकमे में हो रहा है करप्शन में हम एक सौ चालीसवें नंबर पर पहुंच चुके हैं किस वजह से ये सारा अब्यूज ऑफ अथॉरिटी तो है और क्या गलत एक्सरसाइज किया जा रहा है अपने इख्तियार सिर्फ अपना जो है वो पेट पालने के लिए रुपया पैसा कमाने के लिए और हराम खोरी के लिए रिश्वत लेने के लिए अब हाँ वापटा वाले क्या करेंगे अब हाँ? हाँ बिजली सबकी जो है वो बुनियादी जरूरत है सबकी बुनियादी ज़रूरत है और जितनी करप्शन वापटा के महकमे में, में शायद ही किसी और महकमे में, में हो फिर उसके बाद आपको पुलिस में नज़र आएगी फिर उसके बाद आपको जो है वो ये इनकम टैक्स के महकमों में, में आएगी फिर हेल्थ और एजुकेशन में भी है लेकिन वहाँ पर नस्बता कम है और किसी को जो है वो बिल जो है वो इजाफी बिल जो है वो ठोक देंगे उसको बेचारे का चार हज़ार का बिल है तो वो उसको चालीस हज़ार का बिल उसको बना के ठोक देंगे अब वो बेचारा जो है वो उनके दफ्तर के चक्कर लगाता रहे कभी इधर कभी उधर कभी उस डेस्क पे यहाँ इतने पैसे दे दो तुम्हारा काम कर देते हैं कुछ ज़्यादा वो वाक़ी मोहतर क्या चला गया शिकायतें कर ली चले उसकी कोई इंस्टॉलमेंट्स हो गई लेकिन उस बंदे का टाइम तो ज़ाया हुआ और ये आम है पुलिस वाले क्या करेंगे आपका कोई जायज़ काम है आपकी कोई बाइक चोरी हो गई कोई मोबाइल आपसे स्नैच कर लिया गया कोई आपके एफ़ आई आर काटने को तैयार नहीं होता जब तक आप कोई सिफ़ारिश ना लड़ा लें कोई जो है वो आप पैसे ना दे दें मुट्ठी ना गर्म कर दें और अगर एफ आई आर कट भी जाए पता भी होता है बाद अवत कि ये मुजरिम है लेकिन पुलिस जो है वो रिश्वत लेके उनको खुलम खुला जाए वो सपोर्ट कर रही होती है ये सब हमारी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं सबको पता है यहाँ क्या हो रहा है या अदलिया तक करप्ट है जिसने इंसाफ देना है वो तक करप्ट है हुक्मरान करप्ट हैं है अब तो चोर चोर के नारे जो है वो सारी लगा रहे हैं सारी पार्टियाँ है एक दूसरे को चोर कह रही हैं और चोरियाँ है खुल भी रही हैं सामने भी आ रही तो एक क्लर्क से ले प्राइम मिनिस्टर तक सब चोर हैं सब खाई जा रहे हैं तो अपनी आ, आ, ये अमानतदार लोग तो नहीं हैं इन्होंने अपने उहदों में की है जो उनके पास इख्तियार उनमें ख्यात किया भले जो है वो तस्बियात पकड़ लें भले जो है वो इस्लाम के नारे लगा लें भले जो है वो रबी अलावल के बारह दिन मना लें या मुहर्रम के जो है वो दस दिन मना लें अगर ये स्तम का बाजार इन्होंने गर्म कर रखा है करप्शन का स्तम का और उस स्तम की वजह से अल्लाह के रसूल से सलम की लानतें भी हैं कि राशि के ऊपर जो है रिश्वत लेने वाले के ऊपर और देने वाले के ऊपर अल्लाह की लानत हो तो वल्लिन हमलेमानातमरा बंद मोमिन ऐसा नहीं होता उसके पास जो उदा है अगर वो कुर्सी पे बैठा है तो जितना अल्लाह के सामने सजदे में वो अल्लाह से डर रहा होता है इतना कुर्सी पे बैठे हुए वो अपने क़लम को हरकत करती हुई भी डर रहा होता है कि मेरे क़लम के हरकत से या सिग्नेचर से कोई मुश्किल में पड़ सकता है और किसी के लिए आसानी हो सकती है और किसी की फाइल जो है वो उस आगे होके उसको जायज़ हक़ मिल सकता है और किसी की फाइल पीछे हो के फाइलों के अंबार में दब सकती है और उस तक उसका हक नहीं पहुँच सकता और वो एक लानत भेजेगा और इसकी आखरत की दुनिया भी तबाह बर्बाद हो जाएगी और अमूमन ऐसे लोगों की करप्ट ऑफिसर्स की आप देखेंगे वन फरमान होती हैं बाद ऐसे भी होते हैं जो अपने बापों को जो है वो बुढ़ापे में जो है वो मार कुटाई करके घर से बाहर निकाल देते हैं तो दुनिया में उनके लिए अजाब जो है वो शुरू हो जाता है क्यों क्योंकि लोगों की लानते समेटते रहते हैं लेकिन उस वक्त जब जिस वक़्त वो हराम खोरी कर रहे होते हैं उस वक्त उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं होती तो इस वक्त हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुनकर हमारी सोसाइटीज़ का वो हराम खोरी है सबसे बड़ा मुनकर करप्शन करप्शन को आसान अल्फाज में बयान करें तो हराम खोरी या रिश्वत और नबी जब भी आते थे तो सबसे पहले उस वक्त का जो सबसे बड़ा मुनकर होता था अपनी दावत में उसको फोकस करते थे उसको टारगेट करते थे जब तक वो मुनकर ख़त्म नहीं होगा सोसाइटी की असलाह नहीं होगी तो हमारे यहाँ से जब ये करप्शन जब तक नहीं जाएगी और ये अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी नहीं ख़त्म होगा उस वक़्त तक यहाँ कोई असलाह का काम नहीं हो सकता हाँ निचले लेवल पर चंद एक लोग अपनी असलाह कर लेंगे ठीक है लेकिन एज अ सिस्टम एज़ अ नेशन हम कोई तरक्की नहीं कर सकते वल्लीन मलावा हाफिजुन और वह लोग जो अपनी नमाजों की हिफाज़त करते हैं तो छः सिफात अल्लाह ने बयान की कि जिन में ये छः सिफात हों तो वो मोमिन है और वो जन्नती है सबसे पहले नमाज नमाज में भी बातनी कैफियत उसकी बातनी कैफियत अल्लाह से डरने वाला नमाज़ पढ़े तो लगे कि अल्लाह से डर रहा है एक शख्स को आप सलम ने देखा कि नमाज़ में दाढ़ी से खेल रहा है आप सलम फरमाए इसके दिल में अल्लाह का डर होता तो ये ऐसे ना करता तो नमाज में ऐसे दाढ़ी से खेली जा रहे हैं कपड़ों से खेली जा रहे हैं नहीं अल्लाह की तरफ मुतवजह है अल्लाह से डरती हुई नमाज़ पढ़े अल्लाह के सामने आंसू बहाए ये बंदा दूसरा फजूल कामों से संगीदा ये नहीं सरकारी महकमे में भी, भी क्या है लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं सारा दिन ब्राउजिंग करते रहते हैं ख़बरें पढ़ते रहते हैं जो काम उनके करने वाले हैं लोग बाहर लाइनें लगा के खड़े वो काम करते कोई नहीं मोबाइल पे बैठे हैं खेली जा रहे हैं या इसको फ़ोन लगाया उसको फ़ोन किया बस ये हो रहा है हमारे यहाँ सरकारी महकमों में एक तो काम नहीं करते मुफ्त की तनख्वाह मारते हैं और दूसरा ये कि रिश्वतें ले काम करते हैं फसाद बर्पा किया हुआ है इन्होंने सरकारी अलकारों ने फसाद बर्पा किया हुआ है एक तो ये है कि वो अपने मीनिंगलेस कामों से दूर रहते हैं यानी लायानी कामों से दूर रहते हैं और तीसरी बात क्या बयान की कि वो अपनी तस्किया करते रहते हैं अपना अपनी अकाउंटेबिलिटी करते रहते हैं अपनी असलाह के लिए कोशा रहते हैं फ़िक्रमंद रहते हैं अपने रवैयों को रिवाइज करते रहते हैं और चौथा बदकारी में एडल्ट्री से दूर रहते हैं और पांचवा जो ओहदा उनके पास है उस उसदे का नाजायज इस्तेमाल नहीं करते जो इख्तियारत उनके पास हैं उनका नाजायज इस्तेमाल नहीं करते अपने अहदे की तमाम जिम्मेदारियों को जिसका उन्होंने हल्फ लिया होता है जिसकी उन्होंने कमिटमेंट की होती है जब उनको वो सरकारी जॉब मिल रही होती है उसको वो पूरा करते हैं भाई रेफरेंस लड़ा के रिश्वत दे के आ आगे हो तो आप मजीद तो सारी ज़िंदगी के लिए गुनाह गुनाहन कमाओ पहले थोड़ा कर लिया किसी का हक मार के उस सीट के ऊपर आ गए हो अब फिर सारी ज़िंदगी जब लोगों का हक मारने में लगे रहो और फिर अपने वादों को अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं और फिर अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं नमाज़ ज़ाया नहीं करते तो जिन में ये छः सिफात हैं कहा गया कि ये लोग वारिस हैं किसके वारिस हैं अल्लादीन या रिसूनलफरदोस ये लोग जन्नतों के जन्नतफरदोस के वारिस हैं आप सलम फरमाए जन्नत के सो दर्जाते हैं सबसे अली दर्जा जन्तलफ़रदोस है जब भी अल्लाह से मांगो तो जन्नतफरदोस मांगा करो ये जो आयात सूरह ममिनून की हमने पढ़ी हैं कुरान मजीद में कुछ मकाम ऐसे हैं और बहुत प्यारे मकाम हैं इन आयात को ज़ुबानी याद करें ज़ुबानी याद करने के बाद उनको अपनी नमाज़ों में पढ़ें और इनका तर्जमा भी आपके जहन नशीन होना चाहिए क्योंकि जब आप इनको नमाजों में पढ़ेंगे या आपकी रूटीन में आएंगी फिर आप अपने आप को अवेलुएट करेंगे कि मेरे अंदर ये सफ़ात पैदा हुई कि नहीं पैदा हुई फिर आपके अंदर एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये मामला शुरू होगा तो कुर मजीद का कोई ना कोई सिलेक्टेड निसाब आपको याद होना चाहिए तर्जमे के साथ हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार अहमद रहमा जबकि वो जमीत तलबा के क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो एक जमात है इस्लामी आर्गनाइजेशन है उसके वो पंजाब के नाजम थे तो उस वक्त उन्होंने एक निसाब मुरतब किया था मौलाना अमीन हसन असलाही साहब से कुछ गाइडेंस वगैरह लेके तो नौजवान तलबा को वो देते थे यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स में उनकी रहनुमाई करते थे तो वो एक सिलेक्टेड निसाब होना चाहिए कुरान का जिसके साथ हमारे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को ख़ास तौर पर जुड़ना चाहिए वो आयात याद भी करें उनके तर्जमा भी और फिर उसको अपनी जो है वो नमाजों का हिस्सा बनाए फिर वो चीज़ें रिपीट हो के जहन नशीन होंगी शौर का हिस्सा बनेगी, फिर शुरू का हिस्सा बनने के बाद फिर अमल का हिस्सा बनेगी तो कुरने मजीद का मंतब निसाब इस नाम से उनका किताब चाहे कोई अढ़ाई के करीब पा रहे हैं डॉक्टर साहब के कुरान के मुख्तु उन्होंने मुकाम को सिलेक्ट किए या आप किसी और की भी सिलेक्शन ले सकते हैं मतलब कुछ ना कुछ कुरान का पोर्शन हमें याद होना चाहिए नेक्स्ट आयात में असमान तैयार ने यह बात बयान की कि हक़ को जुटलाने की वजह जो है वो तकबर है ये ख़ास तौर पर जो है वो हजरत मूसा और आले फिरौन का किस्सा बयान हो रहा है और हमने कहा था कि कुरान में अक्सर बेशतर ये किस्सा हमें बयान होता है उसकी वजह क्या है कि जिस तरह फ़िरौन और आले फिरौन ने हक़ को जुटला दिया इस तरह ना बन जाना अगर ऐसा बनना चाहते हो तो फिर उनका इंजाम भी देख लो फ़कालबरीन मिसलेना वकौमान ना आबिदून अब उनका इतराज़ क्या था जब हरत मूसा और हारून ने कहा हरत मूसा और हारून बनी इसराइल में से थे बनी इसराइल को तो इन्होंने गुलाम बनाया हुआ था सदियों से मकामी जो लोग थे जिन्हें किप्ती कहते थे आहि फ़िरौन इन्होंने गुलाम बनाया हुआ था उनसे बिगाड़ लेते थे तो अब मूसा और हारून उनके ग़ुलाम कौन से थे तो अब वो कहते थे कि हम मूसा और हारून की पैरवी करें हर सला वसलाम ये आले फ़िरौन कहते थे जो हमारे ग़ुलामों में से ये ऐसी है कि जैसे अंग्रेज़ यहाँ की हुकूमत करते रहे और यहाँ पर जो है वो कोई पोलिटिकल लीडर्स मुसलमानों में से खड़े हो जाते और वो कहते हैं अंग्रेज़ों को कि आप हमारी बात माने हमारे पीछे चलें हमें फॉलो करें तो वो उस वक़्त यही बात कहते कि तुम हमारी गुलाम कौम हो हम तुम्हें क्यों फॉलो करें तो यही वो बात कहते थे आले फ़िरन व कौम वालना आबिद इनकी जो कौम है मूसा और हारून की वो तो हमारी जो है वो खदमत गार हैं हमारे गुलाम हैं तो हम वो हमने गुलामों को फॉलो करना है क्या तो वो नबोत का जो दावा कर रहे हैं और हम उनको उनके फॉलोअर बन रहे हैं उन पर उन पर ईमान ले आएँ फ़कत ज़बू हम तो उन्होंने उनको जुटला दिया मूसा और हारून को इस बुनियाद पर तकब्बर की वजह से तकबर की वजह से मूसा और हारून का जो सोशल स्टेटस है वो हमारे जैसा नहीं है हमारी कौम में से नहीं हमारे यहाँ अब भी देखें यही वजह होती है यानी हक हाँ को जुटलाने की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि उस बंदे का तो सोशल स्टेटस ऐसा नहीं है लोग मौलवी को सुनते ही नहीं है क्योंकि मौलवी जो है वो एक गाली बन गया ठीक है उसमें हो सकता है बाद हो सकता है क्या होता भी है बाद मौलवी ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें आप नासमझ मौलवी कह सकते हैं या ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमाएँ सू भी कह सकते हैं बुरे बुरेमा ठीक है लेकिन सारे ऐसे तो नहीं हैं अब लोग क्या करते हैं जी बिल्कुल जुमा के आखिर में आते हैं जब नमाज़ जो है वो खड़े होने का वक्त हो जाता है तकरीर ही नहीं सुनते क्या वजह है चलो यही वजह है कि वो मौलवी को समझते हैं कि शायद इसको कुछ पता ही नहीं है उसको हकीर समझते हैं हकीर जानते हैं इसलिए जब उसकी तनख्वाह भी मुकर की जाती है तो उसी एतबार से यानी मौलवी की तनख्वाह मुकर्र करनी होगी तो वो बहुत कम होगी और अगर स्कूल टीचर की मुकर्र करनी होगी तो वो ज़्यादा होगी हालाँकि दोनों जो है वो इल्म दे रहे हैं उसकी वजह ये है कि उसको हकीर समझा जाता है उसके पेशे को हकीर समझा जाता है तो ये हकारत नहीं होनी चाहिए दीन और दीन इख्तियार करने वालों के लिए क्यों क्योंकि ये फिर जो है वो वजह बन जाती है हक़ को जुटलाने की वजह बन जाती है तो उन्होंने भी यही बात कही कि अ मूसा और हारून हम आपके पीछे नहीं चल सकते क्योंकि आपकी कौम के लोग जो है वो हमारी खिदमत गुजार हैं तो हम खिदमत गुजारों को जो है वो अपना नबी क्यों मान लें ये बात उन्होंने की नेक्स्ट आयात में अल्लाह सुबह ये बात हैं कि नेक अमाल करते हुए अल्लाह से डरते रहना चाहिए यानी नेकल करना और फिर अल्लाह से डरते हुए नक अमल करना ये बहुत अहम है फरमाएँ जो लोग अल्लाह के रस्ते में देते हैं जो भी वो दे सकते हैं वो अल्लाह के रस्ते में देते हैं लेकिन जब देते हैं वलूब उ वजिला तो उनके दिल डर रहे होते हैं अल्लाह के रस्ते में देती हुई उन्हें फ़खर नहीं होता यार मैं इतना दे रहा हूँ ये वो ऐसे नहीं वो डर रहे होते हैं पता नहीं अल्लाह कबूल करता है कि नहीं तो बंदे मोमिन की पहचान क्या है कि नेक अमल कर रहा होता है वो डर रहा होता है अल्लाह कबूल कर ले या अल्लाह कबूल कर ले या अल्लाह ke.. रोज़े की हालत में या अल्लाह कबूल कर ले टूटी फूटी इबादत है कबूल कर ले और जिसके अंदर निफाक होगा वो फ़ख्र कर रहा होगा कि मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया वो दो सिलाई मशीनें जो है वो बांटेगा दस बैनर लगा देगा ठीक है तो ये ये मामला है नेक अमल और नेक अमल करते डरते रहना हल का युसारियल खैरत यही लोग हैं जो नेकियों में आगे बढ़ जाने वाले हैं और यही लोग हैं जो कि आगे निकल जाने वाले हैं यानी यही लोग नेकियों में फिर आगे निकल जाते हैं और मुकाम और मरतमे में भी यही लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं जो नेकमल करते हुए अल्लाह से डरते रहते हैं ये ये कैफियत होनी चाहिए नेक अमल के दौरान तो यानी नेक अमल सिर्फ ज़ाहरी शक्ल सूरत का नाम नहीं है ज़ाहिर में नेक अमल नहीं होना चाहिए अंदर दिल की कैफियत उससे क्वालिटी बनती है नेक अमल की कुरान इसके ऊपर बड़ा ज़ोर देता है पातनी कैफियत कल्ब की जो हालत है वो बदलनी चाहिए उसमें अल्लाह की खशियत अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ होना चाहिए नेक्स्ट हयात में ये बात कही जा रही है कि मुशरकिन मक्का जो है वो अल्लाह को रब और खालिक मानते थे बिल्कुल मानते थे लेकिन अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इनसे कहें कि कौन है जिसने ज़मीन को पैदा किया या ये ज़मीन किसकी है ये और जो कुछ ज़मीन में है ये किसका है कौन इसका मालिक है तो आप इन मुशरिकों से अगर सवाल करें तो वो क्या कहेंगे सैकूल नलिल्ला सब अल्लाह का है ज़मीन भी ज़मीन के अंदर जो कुछ है सब अल्लाह का है कुल अफलात अज़ा तो आप इन्हें कहें फिर नसीहत नहीं तुम्हें मिलती फिर इनसे पूछें कि सात आसमानों का रब कौन है और अरश अज़ीम का रब कौन है सैकूलू नाला तो कहेंगे अल्लाह ही है कोल फलात अत तक कौन तो फिर इन्हें कहें फिर तुम्हें डर नहीं लगता जब अल्लाह ने पैदा किया अल्लाह ही खालिक है अल्लाह ही मालिक है अच्छा वो मुशरकिन भी यही मान रहे थे आज भी जो लोग शेयर करते हैं वो भी ये कहते हैं कि सब कुछ अल्लाह का ही है अल्लाह ने पैदा किया हम तो ये मान रहे हैं अल्लाह ने पैदा किया अल्लाह हमारा क्रिएटर है लेकिन आज जो लोग शेयर करते हैं वो ये कहते हैं कि जी अल्लाह के इख्तियारा थे अल्लाह ने अपने बंदों को नेक बंदों को इखियारात दे दिए अपनी अथॉरिटी जो है वो ट्रांसफर कर दी और अल्लाह ताला कहते हैं कि ये कितना बड़ा झूठ है अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह के बारे में ये बात कह रहे हो कि अल्लाह ने अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी अल्लाह ने ये कहाँ पर कहा है कि मैंने अपनी अथॉरिटी अपने बंदों में ट्रांसफर कर दी है इसका सबूत कहाँ से लेके आओगे खुल्हा तो बुरहान को मिनकुन तुम सादिखी ने से दलील लेके आओगे कोई किसी के पास कोई दलील नहीं है इस शर की कोई दलील नहीं है किसी के पास ये कुरान में बार बार आता है बार बार आता है अगर तुम्हारे पास है तो कोई सुल्तान मुबीन ले के आओ कोई वाज दलील इस शर की ले के आओ तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है लेकिन फिर भी तुम अल्लाह के ऊपर ये क्लेम करते हो कि अल्लाह ने अपनी अथॉरिटी जो है वो अपने बंदों में तकसीम कर दी और यही काम वही मुशरक ने मक् करते थे जब उनसे पूछा जाता ज़मीन में जो कुछ है किसके अल्लाह का है जमीन को किसी ने बनाया ने बनाया आसमान किसी ने अल्लाह ने बनाए, अल्ला बनाए।, बनाए? अर्श पे अल्लाह उसमान वाली वही अकीदे उनके भी वही अकीदे थे यहाँ जो आज शिर को रहा है इनके भी यही अकीदे डरना चाहिए डरना चाहिए और इस शर को छोड़ देना चाहिए तर्क कर देना चाहिए सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए और ना तो इंसान की आखिरत बर्बाद हो जाएगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी फिर उसके बाद दूसरा चांस तो है ही कोई नहीं है ही नहीं अच्छा जो सिर्फ अल्लाह त मांग से मांगता रहा तो क्या वो नुकसान में है? क्या वो जहन्नुम में जाएगा आपका क़ीदा है जहरी बात है कोई भी नहीं कहता वो वो भी यही कहते हैं कि भाई सिर्फ़ अल्लाह से मांग रहा है तो ठीक ही तो कर रहा है सिर्फ़ अल्लाह से मांग रहा है। असल तो अख्तिलाफी मसला यह है कि गैरुल्ला से मांगना उसकी तावीलें की गई हैं तो भाई उसमें क्यों पड़ रहे हो वो तो बच गया वो तो तुम्हारी नज़र में भी जो सिर्फ अल्लाह से मांगी जा रहा है वो तो बच गया लेकिन क्यामत वाले दिन तुम्हारा मसला उल्टा निकल सकता है और जब निकल गया तो दूसरा चांस है भी नहीं और कुरान पढ़ने के बाद तो अंदाज़ा होता है कि बिल्कुल है ये मामला नेक्स्ट हयात में शैतान से अल्लाह की पनाह में आने की एक दुआ सिखाई गई है बहुत प्यारी दुआ है कहा गया है कह क्या है मेरे परवरदिगार मैं आपकी पनाह चाहता हूँ मिन हम जातिशाति शैतान के वसवसों से शैतान हर वक़्त जो है वो फूँके मारने के लिए बैठा है वसवसे डालने के लिए हमारे जहन में जो सोच आती है बाज़ात तो वो सोच हमारे अपने अंदर से पैदा होती है वो अल्लाह की तरफ़ से इलाम होती है बाज़त वो सोच शैतान की पैदा करदा भी होती है उसको हम वसवसा कहते हैं तो जब भी शैतान को वसवसा डाले और आम तौर पर शैतान का वसवसा कब कब होता है जब इंसान कमज़ोर लम्हात में होता है इमोशनली आप डिस्टर्ब होते हैं मैंटली आप डिस्टर्ब होते हैं उस वक़्त शैतान का वसवसा आता है और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता और आप शैतान के वसवसे में आ जाते हैं तो अगर आपको अंदाज़ा हो तो आप फ़ौन अल्लाह से पनाह मांग लें शैतान के वसवसों से वह उस भी करब यहाँ हीसरून है अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता हूँ कि वो शयातीन मेरे पास मौजूद हों बात हर जगह मौजूद तो हैं इंसान के पास भी आ जाते हैं बस वस वसा डालने के लिए आते हैं इंसान को नुकसान क्या पहुँचाना है उन्होंने अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते और वैसे भी कभी हमने यहाँ तुमिया में हम रहती हैं क्या कर सकते हैं कोई इंसानों को कतल कर सकते हैं उनका बस चलता तो सारे इंसानों को कतल करके बैठे होते सारे नेक लोगों को ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं कर सकते हाँ बस वसा डाल सकते हैं इंसान को परेशान कर सकते हैं बस और क्या करना है उन्होंने लेकिन यह है कि अल्लाह से उनकी पनाह मांगते रहें मतलब एक खबीस है एक शरीर आदमी आपके करीब भी क्यों आए तो बाजा अकात होता है कि वो इंसान को वसवसा डाल के या ख्वाब में आके जैसे इंसान को परेशान करते हैं वो ख्वाब भी इंसान को सारा दिन बेचैन रखता है तो इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते लेकिन वो जो करते हैं उससे भी इंसान परेशान हो जाता है और परेशान रह के अपनी ज़िंदगी में उलझाव पैदा कर लेता है तो इसलिए शातीन से अल्लाह की पनाह मांगते हैं कि यार अल्लाह दूर रहे हम तक उनका साया भी ना पहुँचे जान उनसे छूटी रहे ये ऐसी है ना कि जैसे इंसानों में शरीर इंसान है ठीक है आप उसको देखते हैं तो उसको देख के भी एक उलझन होती है कि यार ये क्यों आपके पड़ोस में अगर कोई शरीर इंसान रहता है आपको नुकसान ना भी पहुँचाया हो तो इंसान की तबीयत वैसी जो है ना वो तंग पड़ती है यार ये यहाँ पे कहाँ मैं कहाँ फंस गया हूँ फिर इंसान सोचता है चलो यार मूव कर जाते हैं कहीं और इधर उधर हो जाते हैं इससे वास्ता ना ही पड़े तो अच्छा है नैक्स हयात में आलम बरज़ का बयान है इस दुनिया में आने से पहले यानी मादी दुनिया के अंदर या आलम मादी में आने से पहले हम आलम अरवा में थे और इस मादी दुनिया से यानी आलि अरवा से हमारी एंट्री हुई है प्लानट अर्थ पे ठीक है हमारी एंट्री कहाँ कहाँ से हुई है आलम अरवा से हुई है और जो हमारा एग्ज़िट होना है इस प्लानट अर्थ से वो आलम बरज़ के अंदर होना है एक दूसरी दुनिया के अंदर हम चले जाएंगे और हर आलम के अपने फिज़िकल लाश हैं तो कुरान आलम बरज़ का तस्करा कर रहा है जो मरने के बाद का एक आलम है फरमाया कि जब उनमें से किसी एक को मौत आती है काला रबी उन तो वो फिर अल्लाह से कहता है कि आप मुझे वापस दुनिया में भेज दें लाली आमल व यानी मुझे अभी मौत ना आए ताकि मैं नेक अमल करूँ फ़ीमा दरख्त जो मैंने छोड़ा है उसमें कोई नेक अमल कर लूँ यानी आपके रस्ते में कुछ खर्च कर लूँ कल हरगिज़ नहीं कलिमतुन हुआ कायल हुआ एक बात है जो वो कर, करेगा बस इससे ज़्यादा उसकी कोई हकीकत नहीं है जिसका वक्त आ गया टाइम पूरा हो गया अब वो लाख कहे कि अब मुझे फ़रिश्ते नज़र आ रहे हैं मुझे बात समझ में आ गई है अब मुझे थोड़ा सा मौका मिल जाए मैं कोई एक वसीत लिखवा जाऊँ कि फ़लाह जो है वो अल्लाह के रास्ते में मैंने दिया नहीं बिल्कुल भी नहीं इतना भी नहीं मोहलत दी जाएगी अगर वो ये बात करेगा भी ना उस वक़्त फ़रिश्तों से या किसी से भी रिक्वेस्ट करेगा अल्लाह से भी करेगा तो वो बस उसकी हैसियत बस एक बात की होगी टाइम ख़त्म बस ख़त्म उससे पहले पहले मम वायम बरज़ुन अलायम यबासन और उनके पीछे एक बरज़ है बरज़ मीन ब्रिज यानी ये ब्रिज है आलमी बरज़ जो है इस दुनिया और आख़रत के दुनिया के दरमियान यानी चार दुनियाएं हो गई एक आलम अरवा फिर ये मादी दुनिया फिर आलम बरज़ फिर उसके बाद आखरत की दुनिया जो जन्नत जहनम की सूरत में मिलेगी तो इन दोनों के दरमियान आखरत और इस दुनिया के दरमियान ये चूंकि ब्रिज है तो इसलिए इसको आलम बरज़ख़ख़ख़ कहते हैं तो कहा जा रहा है कि उनके फिर एक बरज़ है एक रुकावट है ठीक है उस रुकावट की वजह से उस आड़ की वजह से वो इस दुनिया में वापस नहीं आ सकेंगे जो इस दुनिया से चला गया अब वो दुनिया में वापस नहीं आएगा जैसे हिंदुओं में यकीदा है कि जी रूह वापस आती है दूसरी मरतबा मरतबाती नहीं जो चला गया वो वापस नहीं आता बिल्कुल भी नहीं आता अब वो क़ियामत वाले दिन ही जो है वो दोबारा उठाया जाएगा क्योंकि कुरान ने फिर उसकी तरफ़ इशारा कर दिया इला योम उबासून फिर दोबारा जो है जब उनको उठाया जाएगा और वो क़ियामत वाला दिन होगा जब उनको उठाया जाएगा तो उससे पहले पहले फिर वो आलम बरसक है जिसे हम आलम क़बर कहते हैं तो आलम क़बर में इंसान की कैफियत क्या होती है कि उसका ये जो जिसम होता है इसको हम मट्टी में दबा देते हैं जिसे हम कबर कहते हैं और उसकी जो रूह है वो ऊपर चली जाती है एक मुकाम इल्लीहीन है एक सिजीन है एक जगह नेक लोगों की रूहें हैं एक जगह बद लोगों की रूहें हैं अब वो रूह का कनेक्शन इंसान की जो है वो आ उसके साथ बॉडी के साथ जो है वो होता है कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन जो वो होता है असल जो अज़ाब हो रहा होता है वो उसकी रूह को होता है लेकिन उसका असर जो है वो इंसान की बॉडी पे भी हो रहा होता है जैसे नींद की हालत में इंसान की रूह जो है वो किसी कदर निकल जाती है इंसान के जिसम से अब आप ख्वाब में देखते हैं कोई आपके साथ किसी की लड़ाई हो गई तो वो आपको तकलीफ पहुंचाता है तो आपको तकलीफ होती भी है बाजू आप जब बेदार होते हैं तो आपको जिसम के उस हिस्से पे पेन हो रही होती है जिसके बारे में आपको ख़्वाब में ये नज़र आ रहा था कि यहाँ पर मुझे जो है वो कोई चीज़ जो है वो मारी गई है तो ये इसी तरह से है कि बॉडी के ऊपर भी जो है वो कुछ ना कुछ असर होता है उसको भी कुछ ना कुछ पेन जो है वो मिलती है या अगर वो नेक बंदी की बॉडी है तो उसको कुछ ना कुछ जो है वो रू रूह की नस्बत से मतलब ताल्लुक से उसको कुछ ना, कुछ ना कुछ राहत मिलती रहती है और वो रू ऊपर चली जाती है ज़्यादा नेक रू होती है तो वो जन्नतों में भेज दी जाती है नेक्स्ट हयात जो हैं वो सूर नूर की हैं सूर नूर जो है बुनियादी तौर पे ख़ास आप यूँ कह सकते हैं कि इस्लामी जो माशरा है अगर हमने उसको इस्लामिक वैल्यूज़ के ऊपर खड़ा करना है किसी भी मुस्लिम सोसाइटी को तो वो वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं यानी जिन वैल्यूज़ को इख्तियार करके कोई सोसाइटी एक मुसलमान सोसाइटी कहलाई जा सकती है ठीक है जैसे हमारे यहाँ बाद लोग कह देते हैं कि जी देखें जी अंग्रेज़ तो हमसे ज़्यादा मुसलमान हैं उनकी कुछ अच्छी बातों की वजह से कि वो वादे के बड़े जो है वो पासदार हैं वादा पूरा करते हैं मिलावट नहीं करते धोखा नहीं देते इस किस्म की बातें करके लोग ये कहते हैं एक जुमला ऐसी कह देते हैं बाय द वे तो कोई सोसाइटी किस वक्त कि जो है वो मुसलमान सोसाइटी कहला कहलाई जा सकती है यानी अल्लाह ताला क्या चाहते हैं किसी इस्लामी माशरे में कि ये वैल्यूज़ जो है वो सबसे नुमाया होनी चाहिए उसमें कुछ चीज़ों का तो अल्लाह ने जिक्र किया कि ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी मुस्लिम सोसाइटी में और उनमें एक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो जना है और कुछ चीज़ों के बारे में हुक्म दिया कि ये होनी चाहिए तो जना से मना किया और शुरू में ही जना की सख्त सज़ा बयान कर दी कि ज़िना करने वाला मर्द हो या औरत फ़जलुदूक वाहिद मिनहुमात जल्दा तो मेल है या फीमेल है अगर वो अडल्ट्री का उस उसने उसको कमिट किया है तो उसकी सज़ा क्या है वन हंड्रेड लैशेज़ सौ दुरे जो है उसको मारे जाएँ वल ख़ुद बेहमा राफ़त फ़ीदीअला के दिन के मामले में कोई नरमी नरमी की भी कोई ज़रूरत नहीं और कोड़ा भी ये वो वाला कोड़ा नहीं है कि जिससे उसकी जो है वो खाल उधेड़ उधेड़ दे मतलब यह है कि ये इब्रत के लिए इबरत के लिए बेसिकली ठीक है पब्लिक प्लेस पे हो और ताकि वो आइंदा ऐसा काम ना करें लेकिन ये भी किस जानी के लिए उस जानी के लिए कि जिसको जना करते हुए चार लोगों ने देख लिया यानी वो इतना खुलम खुला हो गया कि अब चार लोग उसको जिना करते हुए आई विटनेस के तौर पे देख रहे हैं अब इसको सजा दो हाँ जिसका मामला ये है कि उसने छुप छुपा के किया अब जहरी बात है कि उसके ऊपर तो सजा कैसे लागू होगी उसके ऊपर तो सजा नहीं लागू हो सकती वो फिर अल्लाह ताला से जो है वो माफी मांगेगा तो बस इस्तफार करेगा जिसको लोगों ने चार लोगों ने देख लिया अगर तीन लोगों ने भी देखा है तो फिर भी उस पर सजा नहीं है जब तक चार लोग पूरे ना हो जाए तो फरमाया गया कि अगर तुम अल्लाह पे और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो फिर जो है वो जानी को मर या औरत उसको सजा दो कब जब उसका गुना फैल जाए जब जा उसकी शर्मा या इतनी रुखसत हो जाए कि वो लोगों के दरमियान ये काम करना शुरू कर दे वलियशद अज़ाबा क़वाफ़ मिनमिन और उनको सजा देते वक्त अहलीमान का एक गुरु मौजूद रहे ताकि वो इबरत बने ताकि जिना फैले नहीं ना चोरी छुपे उसने छुप के जो कर लिया सो उसका गुना उसकी अपनी ज़ात की हद तक कि अल्लाह से तोबा इस्तेफार करें गुनाह तो वो भी है लेकिन यह है कि जब वो फैल रहा है लोग उसको देख रहे हैं और लोगों को ज़रूरत मिल रही है तो फिर अब उसको सजा दी जाएगी नेक्स्ट ये बात कही गई कि तहमत नहीं लगानी यानी तोहमत से मुराद बोहतान बोहतान नहीं वल्दीन यरमूनल ममोहसन जो लोग पागदामन औरतों के ऊपर तोहमत लगाते हैं पागदामन मर्द हों या औरतें हों किसी के ऊपर भी तोहमत नहीं आप लगा सकते जिना की तोहमत जैसे हमारे यहाँ का लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं जिन लोगों का ताल्लुक शोबिज़ से होता है ठीक है शोबिज़ में होता होगा लोगों के आपस में रिलेशनशिप होते होंगे लेकिन किसी स्पेसिफ़िक जो है वो एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में ये कह देना उसके फ़ला या फ़लानी के साथ तल्लक़ हैं अब देखें ये तोहमत में आ जाता है ये नहीं कहना चाहिए जब तक चार गवाह ना हो तो फरमाया गया कि जो लोग पागदामन औरतों पे तोहमत लगाते हैं फिर चार गवाह नहीं लेके आते फजल समान ही ना चलता तो फिर उनको अस्सी कोड़े मारो यानी किसी के बारे में तुम जुबान नहीं खोल सकते जब तक तुम्हारे पास चार गवाह नहीं है तुमने खुद किसी को क्यों ना देखा हो जिना करती हुई तो तुम नहीं कह सकते कि वो दोनों जानिए मैंने देखा है जब तक तीन गवाह और ना हो क्योंकि झूठ भी बोल सकते हो ठीक तो ये नहीं है चार गवाह होना ज़रूरी है अगर चार गवाह नहीं होंगे तो बस अपनी ज़ुबान जो है वो उसको बंद रखो फजल उदूम समान न जल्दा और जो कोई किसी के ऊपर झूठी तहमत लगाएगा चार गवाह नहीं लेके आएगा और कहेगा कि जी वो आपस में मुलवस हैं तो फिर उसको तहमत की सजा दी जाएगी और वो कहे वो अस्सी कोड़े यानी एक बंदे मोमिन की जो जहात है उसको इतना रिस्पेक्टफुल भी बनाया गया उसकी जो नामूस और इज्जत की जो हिफाजत है वो इस तरह से उसको सिक्योर किया गया और कहा गया कि जो लोगों पर तोहमत फिर लगाते हैं एक तो अस्सी कोड़े उनकी सज़ा और दूसरा उनकी गवाही कभी भी कबूल नहीं करनी और यही लोग फासिक हैं नेक्स्ट आयात में जो है वो वाकईफ़ का बयान है अल्लाह के रसूल वसम एक जो है वो गजबे पे गए तो वापसी में जो है वो एक मुकाम पर काफ़ले ने पड़ाव डाला तो हैत आयश रजियालाना कहीं कदा हाजत के लिए निकली हैं तो उनका हार गुम हो गया तो वो हार ढूँढते ढूँढते उनको देर लग गई तो काफ़िला जो है वो वहाँ से चल पड़ा और उस वक्त ऊँटों के ऊपर होदज होते थे खैमे से छोटे से बने होते थे चारों तरफ जिनके कपड़ा होता था और अजवाज जो है वो उनके अंदर बैठी होती थी ये जो भी ख़ानदानी औरतें होती थी वो इस तरह से पर्दे में बैठी होती थी तो वो किसी को महसूस नहीं हुआ ख़ास तौर पर वो जिसके हा, हाथ में जो है वो ऊँट की महार थी उन साहब को भी महसूस नहीं हुआ कि हरत आयशा अंदर है कि नहीं है उन्होंने भी समझा कि अंदर होंगी तो वो उठ के जो है वो चल पड़े एक सहाबी सफ़वान बिन मतल रज़ी लन अल्लाह के रसूल रसुलसल में उनकी ड्यूटी लगाई हुई थी कि वो पीछे पीछे काफले के चलते थे ताकि काफले ने कहीं पड़ाव डाला हो किसी का सामान रह गया तो वो उठा के लेते आए तो वो पीछे पीछे आ रहे थे तो हरत ऐश जब वापस आइए देखा काफला चला गया तो वो वहाँ पर बैठ गई और वहाँ पर लेट गई कि जब वो देखेंगे कि मैं नहीं हूँ तो वापस इसी जगह पर आएंगे लेकिन बहर वो वो काफ़िला तो आगे चलता रहा वो पीछे से ज़्यादा बिन भी आ गए तो उन्हों उनकी नज़र पड़ी हैरत ऐश रजी ना सोई हुई थी तो उन्होंने उनको पहचान लिया क्योंकि हिजाब की आयात नाजिल होने से पहले जो है वो उन्होंने उनको उन्हों देखा हुआ था तो उन्होंने जो है वो फिर उनको मुतवजह की आवाज़ से तो हरत ऐश रजी बेदार हुई तो वो ऊँट पर बिठा के वापस मदीना ले आए अब जो अब्दुल्ला बिन उबई था मुनाफिकीन का सरदार उसने इस चीज़ को जो है वो इशू बना लिया और उसने कहा कि माज़ल्ला नबी की बीवी तो बच के नहीं आई और उन सबी के साथ जो है वो मुलविस हो गई है माज़ल्ला सुम्म माज़ल्ला तो अल्लाह के रसूल सेम ने फिर हरत ऐश रजी से पूछा तो उन्होंने अपनी पागदामनी का इजहार किया और फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह के रसूल ने नेरत अली से भी मशवरा किया कुछ और भी सहाबा से मशवरा किया तो अली रजी ने भी कहा कि अल्लाह के रसूल वसम आप बेहतर समझते हैं तो बहरल अलैहि वसल्लम और आशर रजी के यहाँ तकरीबन एक महीना तक जो है वो जुदाई भी रही क्योंकि मामला वाजी नहीं था फिर फिरत आशर रजी की बरात पर जो है वो ये आयात नाजिल हुई हैं अल्लाह सुबह तुद उनकी बरात का जो है वो ऐलान किया है फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वह अशर रजाना को अपने घर लेकर आए लेकिन ये एक महीना खुद आप आपसलम के लिए बहुत पेनफुल रहा था अल्लाह ने उसको आजमाइश बनाया अल्लाह ने क्योंकि अल्लाह के रसूल वसलम खुद कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आजमाइश नबियों पर आती है और नबियों में सबसे ज़्यादा आजमाइश अल्लाह ने जो है वो मेरे ऊपर भेजी है नबी के दर्जात बुलंद करने के लिए कोई ये ना कहे कि नबी को जो है वो खामखा जो है वो मरतबे दे दिए गए नहीं वो नबियों को जो मरतबे मिले हैं उनकी आजमाइश के नतीजे में मिले हैं अल्लाह की राहमत भी है वो, वो नो डाउट वो भी है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लोग वो झूठ घड़ के लाए अय मुसलमान उस बतमिन को ही में से एक जमात थी मुनाफिकी की जमात थी लेकिन बजाय तो मुसलमान थे ला तसबरकुम अब उसको के नबी की बीवी पे तहमत लगी है इसको बुरा ना समझो क्यों बलो आखैरलकूम वो तुम्हारे लिए बेहतर है किस एबार से बेहतर है यानी उसमें एक बेहतरी का पहलू भी है उसको सोच लो वो पहलू ये है कि कजफ़ की आयात जो है वो नाजिल हो गई कि आइंदा कोई तोहमत लगाएगा किसी के ऊपर चार गवानी लेके आएगा तो अस्सी करोड़ों के को लिए तैयार रहे तो गोया तमाम जो पाग दामन मर्द और और औरतें थीं उनकी जो इज्जत है वो वो महफूज कर दी गई स्क्योर हो गई लिकुल लिमन मिन मकत बिनस्म जिसने वो गुना कमाया वो आगे प्रोपोगंडा किया वो ख़बर फैलाई चस्के ले लेके उसको तो वो गुना है ही है लेकिन जिसने वो उस जो प्रोपोगंडी की सरबराही की है तो उसके लिए बहुत बड़ा असाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है यानी अब्दुल्ला बिन उबई के लिए और साथ ही बात भी कही जा रही है कि मोमिन मर्द हो या औरत उस परहमत जो है वो उसको नकल करना या उस पर तहमत लगाना ये गुनाह असीम है और मुसलमानों को कहा जा रहा है कि देखो तुम बड़ी आसानी से ये बात बयान कर रहे थे कि हरत आयश रजियलाना जो है वो उनके साथ वापस आई हैं पता नहीं क्या मामला है वकूनुना बे अफवाह कम मालैसला भी अपने मुँह से ऐसी बातें कही जा रहे थे जिनका तुम्हें इल्म नहीं था व तह सब न वैन उस मामले को तुम हल्का समझ रहे थे नहीं एक पाकदाहन औरत की इज्जत और नामूस का मामला था कोई गवाह भी नहीं था एक किसी ने शुरली उड़ाई है और सब उस वसवसे में आ गए जैसे हमारे यहाँ आज कल आडियो वीडियो लीक्स का बहुत चर्चा है ठीक है ठीक है कुछ ऑडियो वीडियो जो है वो हो सकता है असली भी हो ओरिजिनल भी हो लेकिन कुछ फेक भी होती हैं इधर के टोटे उधर के टोटे जोड़ के किसी के बारे में भी कुछ भी जैसे हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे देखते हैं और किसी के साथ पर्सनल चैट हुई है उसने उसके स्क्रीनशॉट लगा दिए देखें जी ये हुआ वो हुआ अंदर से देखो तो कुछ भी नहीं होता बस एक सनसनी सी फैलाने के लिए कुछ लोग ऐसा करते हैं तो ये नहीं होना चाहिए कोई भी बंदा इमिन है उसकी पर्सनल एक लाइफ है आपके उसके साथ अगर कोई चैट भी है उसकी पर्सनल लाइफ भी है आप उसको इस तरह से पब्लिक नहीं कर सकते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ऐ वो लोग जो दूसरों के अयूब के पीछे पड़े हो मुसलमानों के अयूब के पीछे पड़े हो बाज़ आ जाओ अगर अल्लाह तुम्हारे अयुब के पीछे पड़ गया तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे घर बैठे रसवा कर देगा किसी मुसलमान भाई का अगर कोई गुनाह तुम्हारे सामने आ भी जाता है उस पे पर्दा डालो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डालेगा हाँ कोई अपने गुनाह में इतना ही खुल गया है कि अब चार चार गवाह मौजूद हैं ठीक है, है उसके ऊपर तो हद कायम करो फिर उसके ऊपर तो हद कायम करो तो वलौला इस समय तुम ओह कुल तुम मायाकून अलाना अन तकल्ब बिहदा सुबह न हादा बहुतान नदी क्यों ना ऐसी हुआ जब तुमने ये बात सुनी कि हरत आश रजी ना पे तोहमत लगा रहे थे वो मुनाफिक तो तुम ये कहते कि नहीं हम ये बात ही नहीं कर सकते ये तो बहुत बड़ा बोतान है ये तो बात हमारे लिए ज़ुबान से निकालना ही जो है मुनासिब नहीं है तो कोई भी पाक दामन औरत हो कोई भी पाक दामन मर्द है कोई शरीफ मर्द है शरीफ औरत है उसके बारे में अगर कोई ऐसी बात वायरल हो जाती है देखें एक तो ऐसी खबीस है ना वो सबको पता है उसकी खबासत वो पब्लिकली अपनी खबासत जो है वो आम करता रहता है ठीक है मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ वो कमिट करता रहता है इकरार करता रहता है जैसे हमारे यहाँ एक मुफ्ती साहब बहुत मारूफ़ हैं कवी औरतों के साथ उठना बैठना और फौज गुफ्तु करना वो सबको पता है चले उनके बारे में कोई ऐसी गुफ्तु कर देता है जो वो कर रहे हैं ऐसी कोई गुफ्तु कर दे तो वो कोई हरज भी नहीं है वो सब के सामने है। उनकी हालत तो उनकी कैफियत और उनका कबला लेकिन यह है कि कोई शरीफ मर्द है शरीफ औरत है कोई आलिम है कोई अल्लाह से डरने वाला है मुतकी है परहेज़गार है ठीक है या कोई इसी तरह से पोलिटिकल लीडर है साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारने वाला है उसके बारे में भी उसके ऊपर तोहमत लगाना उसके बारे में ये मारूफ़ कर देना ठीक है हाँ किसी की लाइफ ऐसी है गंदी लाइफ है ज़िंदगी है सबके सामने उसे परवाह भी नहीं है किसी के सामने उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता वो एक अलहदा बात है उसके बारे में तो लोग बातें करेंगे लेकिन किसी पाक दमन मर्द और औरत के बारे में उसकी ज़िंदगी तुम ख़राब कर दो इस तरह से तजस कर कर करके सनसनी फैला के और छोटी छोड़ छोटी बातों को जो है वो बढ़ा चढ़ा के बयान करके और पीछे पता नहीं क्या ख़बर है क्या नहीं है तो इससे बचना चाहिए इससे बचना चाहिए ये तुम्हारे लिए चॉइज़ नहीं है और ख़ास तौर पर जना की तोहमत किसी के बारे में लगाना जनाह की तोहमत लगाना तो इसके लिए तो फिर चार गवाह होने चाहिए वरना तो तुम्हारे ऊपर अस्सी कोड़े अस्सी कोड़ों के लिए तैयार हो जाओ वरना इससे बच जाओ नेक्स्ट हयात में अल्लाह व तआला ने इस्लामी माशरों में बेहयाई आम करने के लिए एक दर्दनाक अजाब की वैद सुनाई है यानी एक तो जनाह के ऊपर पाबंदी लगाई फिर कहा कि जनाह के जो रास्ते हैं ना उनको भी बंद करो यानी बेहई जो जो की तरफ लेके जाती है फिर आगे चल के हम देखेंगे उसके मुकाबले फिर निकाह को रवाज करने का हुक्म दिया बात है जनाह को ख़त्म करने के जो है वो पाबंदियाँ लगाई गई और फिर निकाह को आसान करने के लिए जो है वो उसके अहकाम और इंस्ट्रक्शन दी गई तो फरमाया गया कि जो लोग ये पसंद करते हैं अन तशील फ़ाहियत वदीन आमनों के अहिल ईमान में मुस्लिम सोसाइटीज़ में जो है वो बेहयाई फैले आम हो लहुमादाबनली मुनफिर दुनिया वाल आखिर उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक का जाब है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते यानी ये जो इस तरह से प्रोपोगंडा कर रहे थे असवाज मतहरा के बारे में यानी हजरत आशा रजील के बारे में तो वो भी एक तरह से बेहई की बात ही फैला रहे थे एक बात जिसका सर पैर ही नहीं था तो बाद अवत गुनाह की बात करने से भी गुनाह जो है वो फैलता है तो कुरान ने तो इस हद तक इस बात को लिया है और हमारे अब तो मीडिया गोया के वो इस बात के ऊपर लगा हुआ है हमारा जो है वो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या आप कह लें कि जी सो सोकार जो है वो सोशल मीडिया पैयाई को फैलाने के ऊपर लगा हुआ है फ़िल्म इंडस्ट्री आपकी हो ड्रामा इंडस्ट्री हो वो ऐसी ऐसी कहानियाँ ऐसी ऐसी स्टोरीज़ कि जो है वो शोहर के जो है वो अपनी बीवी की बहन यानी साली के साथ तुकत हैं और ससुर के जो है वो अपनी बहू के साथ तल्लुक़त हैं बस यही दिखाए जा रहे हैं अब वो सोसाइटी में कहीं अगर दो चार केसेस हैं तो वो सब कुछ देख के ऐसे लगे कि रही है तरफ ये हो रहा है तो तुम भी ये महमारी कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फरमाएगी कि ये लोग जो इस तरह से बेहयाई को फ़रो देते हैं बेहयाई का तस्करा करके तो ये वो लोग हैं कि उनके लिए दर्दनाक असाब है घंटों के बारे में आमतौर तो पर कहा जाता है उसके अफसानों के बारे में कि देखिए जो कुछ सोसाइटी में हो रहा था उसने तो उसकी पिक्चर पेश की ठीक है सोसाइटी में गंद है किसको नहीं पता कि गंद है लेकिन इतना भी नहीं है कि आप जो है ना ये दिखाना शुरू कर दें कि जी सब ही गंदे हैं सभी ऐसा कर रहे हैं अच्छा जो नहीं भी कर रहे तो वो भी लगे कि जी उनको भी ज़रा मोटिवेशन मिले कि वो भी ये करना शुरू कर दें इस तरह से भी पि हैई को ख़त्म करने के लिए इकदाम करो इकदाम करो मतलब आ, कानून साजी करो लेजिस्लेशन करो उसके लिए जो है वो स्टेप्स लो अमली इकदाम करो को प्रैक्टिकल जो है वो चीज़ें जो है वो लेकर आओ हाँ उसका तस्करा आप इस एतबार से बुरे अंदाज़ में करें कि आप बेहयाई के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाना चाहते हैं ताकि उसके हवाले से कोई लेजिस्लेशन हो सके जैसे हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर का जब मसला आया था ट्रांसजेंडर एक्ट का तो हमारे यहाँ मज़हबी हलकों ने उसके हवाले से जो है वो मुहिम साजी की तो उसमें कोई हरज वाली बात नहीं है लेकिन लिटरेचर के ज़रिए से अफसानों के ज़रिए से ड्रामों के ज़रिए से फिल्मों के ज़रिए से मतलब ऐसे सीन्स बना के बेहई को आम करना जैसे मर्द और औरत आपस में शेक एंड कर लें डेट पे चले जाएं, किसिंग कर लें ये सारी चीज़ें अब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं तो कुछ आर्टिकल सोशल मीडिया वगैरह पे पढ़ने को मिलते हैं जिसमें बहुत से ड्रामों का जो है वो उन्होंने एनालिसिस दिया होता है बहुत सी जो है वो फ़िल्म इंडस्ट्री का एनालिसिस किया होता है तो उससे अंदाज़ा हो सकता है कि ये इंडस्ट्री जो है वो इस सोसाइटी को किस रुख पे लेके जाना चाह रही है नेक्स्ट आयात में अल्लाह ये बात कर रहे हैं कि देखो ख़बीस मर्द ख़बीस औरतों के लिए और खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए पाकीज़ा मर्द पाकज़ा औरतों के लिए और पकीज़ा औरतें पकीजा मर्दों के लिए हैं ठीक है उलाए का उबर रहून उम्मा या जिनके ऊपर तहमत लगाई जा रही है तो वो इससे बड़ी विम्मा है यानी तोहमत किस पर लगाई गई थी हरत आयशा रजीलाना पे और दूसरे सहाबीप सफवान बिन मअल पे तो दोनों इससे क्या हैं वो बरियसम है ये गोया कुरान में जो है वो बरात आ गई लहु मफफ़रत व रजकुन करीम उनके लिए मफफ़रत भी है यह आजमाइश जो अल्लाह की तरफ से आई है।, है इसके बदले में बहुत बात रिज्क भी अल्लाह ने उनके लिए रखा है तो कहा गया कि खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए यानी दुनिया का कानून यही है कि बदकार औरतें बदकार औरतों की तरफ ही जाती हैं शो इसके लोग जो हैं ठीक है आ, उनके अंदर बेहही आम होती है हम देखते हैं मतलब बहुत सारे सीन जो है वो आम तौर पर वो कर लेते हैं जो हमारे यहाँ शरफात जो है वो उसका सोच भी नहीं सकते तो वो एक दूसरे की तरफ रगबत रखते हैं ठीक है जिस किस्म का लिबास उन्होंने पहना होता है तो वो लिबास भी जो है वो एक किस्म का जो है वो फोज लिबास होता है तो शो भी इसकी इंडस्ट्री से जो जो तल्लु रखने वाले मर्द और खातन वो एक दूसरे की तरफ जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं पाखीदा और शरीफ मर्द एक दूसरे की तरफ जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं तो ये दुनिया ऐसी उसूल के ऊपर चल रही है परदेदार खातून जो है वो आ, नेक मर्द को शरीफ मर्द को पसंद करेगी और शरीफ मर्द परदेदार औरत को पसंद करेगा मतलब लाइफ पार्टनर के तौर पर और एक बेहया मर्द जो है बेहया औरत को पसंद करेगा और बेहया औरत जो है वो बेहया मर्द को पसंद करेगी तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये तो इसी तरह से चल रहा है तो नबी करीम करीमल वसलम की जोजियत में जो असवाज हैं तो ईहरी बात है कि वो अल्लाह के रसूल वसलम के मिजाज की नस्बत से आप से की वो पसंद है आप की पसंद है क्योंकि कई मरतबा ऐसा भी हो निका के मौका पर आपलम ने इनकार भी किया खवान को लेकिन जिनको आप ने अपनी पसंद से अपनी जोजियत में रखा बहरअल उनका एक मुकाम और मरतबा था इसी नस्बत से सोच लेते लेकिन मुनाफिकीन ने इस नस्बत से नहीं सोचा नेक्स्ट आयात में अब ये तो इस्लामी जो एक माशरा है ख़ास तौर पर उसके बारे में कहा गया कि उसको आपने जिन अकदार और वैल्यूज़ के ऊपर खड़ा करना है तो उनमें सबसे बड़ी बात यह है एक तो उसमें ज़िना और एडल्ट्री नहीं होगी और ज़िना की तरफ़ जाने वाले जितने भी के रस्ते हैं आप उन पर कदगने आयद करेंगे उनको आप बंद करेंगे उस ऐसी तमाम फिल्म इंडस्ट्री ऐसी तमाम ड्रामा इंडस्ट्री ठीक है ये नहीं कि मौलवी ये कह रहे हैं कि हर चीज़ हराम है देखिए बात ये है कि जो भी आर्ट हो कोई पर्पज़ हो परपज़फुल जो है वो मतलब कोई क्रिएशन होनी चाहिए ये क्या कि आप माशरे को जो है वो आर्ट के नाम पे फसाद के रुख पे लगा दें इंसान को तबाही के धानों पे पहुंचा दें ये तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा और दूसरी बात जो आगे चल के घरों के हवाले से ख़ास पर रहनुमाई दी गई क्या आप एक सोसाइटी में रहते हैं मुख्तलिफ़ ख़ानदान हैं घर हैं आपस में ताल्लुक हैं रिश्तेदारियाँ हैं दोस्तियाँ हैं आना जाना है फैमिली रिलेशनशिप हैं तो एक दूसरे के घर जाने के आदाब हैं कहा गया कि अहलीमान दूसरों के घरों में जो है वो बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होना उस जमाने में आमतौर पर जैसे घरों के सामने कोई कार्टन पर्दा है ठटक रहा है किसी ने अगर अंदर दाखिल होना था तो वो असल ऊंची आवाज़ से कहता था ये इजाज़त तलब करना था सारी बात है डोर बेल्ट तो नहीं होती थी उस वक्त में कि घर के बाहर को घंटी लगी है जिसको वो बजाएं ऐसा नहीं होता था तो वो सलाम कह के इजाज़त तलब करते थे तो यही कहा गया था कि तीन मरतबा सलाम करें अगर अंदर से आवाज़ ना आए जवाब ना आए तो वापस चले जाएँ लाकुम खैरालमुम लाकुम तज़ करूँ ये तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो तो अब ये दूसरों के घरों में जाने का जो है वो आहदाब सिखाए जा रहे हैं भले आपके चचा का घर है खाला का है लेकिन देखिए वहाँ आपकी फीमेल कज़न्स हैं अब वो घर में काम काज कर रही हैं पता नहीं किसी वक़्त पर्दे से हैं नहीं हैं ठीक है कभी फ़र्श धो रही हैं कभी बर्तन धो रही हैं कभी किसी और काम में लगी हैं मसरूफ़ हैं तो ऐसे में जो है वो आप उनके घर में इस तरह से दाखिल ना हो कि वो उसको ना पसंद जाने कि हमें इस हालत में इसने क्यों देखा तो घर में जो है वो इजाज़त ले के दाखिल हो ये आदाब में से नेक्स्ट आयात में ईमान को ये हुक्म दिया जा रहा है कि कुल्लेमिन यहुज़ु मिन अबसहारिम अपनी नज़रों को जो है वो दबा के रखें यह नहीं कि रस्ते में चलती अपनी आंखें बंद कर लें आंखें बंद करने का नहीं कहा गया जारी बात है किसी चीज़ से टकरा जाएंगे नज़रों के अंदर हया होनी चाहिए अपनी नज़रें जो है वो झुका के नीचे रखनी चाहिए जैसे किसी खातून के साथ ज़रूरत के तहत बातचीत भी करनी है अगर आपका कोई वर्क इन्वामेंट ऐसा है तो नज़रों के अंदर हया होनी चाहिए नज़रों में जो है ना आवारापन ना हो आवारगी ना हो वया फ्रू जाऊँम और अपनी चरमगाहों की हिफाज़त करें क्योंकि ज़िना का ये मुकदमा है सबसे पहले नज़रबाज़ी करेगा फिर ख़ुवातन भी ऐसा लिबास पहन के आ जाती हैं तो अब वो कहती हैं कि जी हमें तो आज़ादी होनी चाहिए लिबास पहनने की देखिए बात ही है जब आप ऐसा लिबास पहन के आएँगी और मर्द आपको घूरगा फिर आप कहेंगे कि जी हरासमेंट हो रही है और फिर उसके ऊपर कानून साजी होगी कि इतने सेकेंड से ज़्यादा अगर घूरा तो ये हरासमेंट होगी फिर नतीजा यहाँ तक निकल आएगा तो उससे पहले वो अपने आप को समेट के रखें खातीन और मर्दों को साथ में हुक्म दे दिया कि मर्द अपने आप को संभालें औरतें अपने आप को संभालें ये तो नहीं कि आप सिर्फ़ एक फरीक को कहें कि वो अपने आप को संभालें नहीं ये हम नहीं कह सकते ना हम सिर्फ़ औरतों को कह सकते हैं कि जी बस वही पर्दे पे लगी रहें और मर्द जो मर्जी करता रहे हाँ उस बेचारी ने पूरा पर्दा कर लिया तो अब ये उस पर्दे में भी जो है वो एक आंख ढूंढने की कोशिश कर रहा है किसी तरह उसका कुछ हिस्सा नज़र आ जाए ये इस तरह से जो है वो शैतान बनाओ नहीं ऐसा भी नहीं है मर्द को भी कहा गया अपनी नज़रों को दबा के रखो अपनी नज़रों को जो है वो आ, कंट्रोल में रखो और अपनी शर्मगा की हिफाजत करो ये तुम्हारे लिए बेहतर है और इसी तरह से मोमिन औरतों को भी कहा गया यकदुदा मिनाब सारन्ना वा फ़ुरू जन्ना कि वो भी अपनी नज़रें जो है वह दबा के रखें वो भी अपनी नज़रों को आवारा ना करें आवारा नज़र क्या होती है जैसे पूरे किसी के सामने जो है न फ्री के मुखालिफ अपोज़िट जेंडर के वजूद का जायज़ा लेना है उसको मापना शुरू कर दे अपनी नज़र से तोलना शुरू कर दे क्या है क्या नहीं है वो वह फदना फरूजा उनना और अपनी शर्म शर्मगा की वो औरतें भी हिफाज़त करें औरतों और को गदाफ़ी उग़म क्या दिया गया वलायुअी जीनत उननाज़ाह मन अपनी जेब वीनत ज़ाहिर ना करें सिवाय इसके जो ज़ाहिर हो जाए ऐस खुद ज़ाहिर हो जाए जो जिसमें उनकी इंटेंशन ना हो लेकिन खुद बखुद अपनी जेबु जीनत ज़ाहिर करेंगी तो फिर तो गहरी बात है मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी जब अट्रैक्ट करेंगी तो फिर ये तो ना कहें कि जी हरासमेंट हो रही है वो हमें क्यों तंग कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं पर्देदार खातन को भी तंग किया जाता है लेकिन आप देखेंगे जब भी आप सर्वे करेंगे पर्देदार ख़िन को हमेशा रेशो में बहुत कम तंग किया जाता है बन नस्बत खन के जो बदसवर के ढन के बाहर निकलती हैं गहरी बात है कि गला खुला है उसके अंदर गोल्ड की चेन डाली हुई है और ऊपर से जो है वो मेकअप जो है वो उसकी तीन लहरें हैं ठीक है जेवरात से इंसान लदा फंदा हो खुशबूँ उससे आ रही हों अब वो कहे कि जी मर्द उसकी तरफ नज़र उठा के भी ना देखे तो आपने तो उसको जो है वो अपनी तरफ़ देखने के सारे इम्कान पैदा कर दिए तो ये सब आपने किया किस लिए है अगर गहराई में जाएं तो ये सारा इसलिए किया है कि मर्द देखे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए तो किया और किस लिए किया है बाहर जब आप निकली हैं अगर शोर के लिए करना था घर वालों के लिए करना था तो उसमें तो कोई हरज नहीं है वो तो फिर क़ुरान ने कहा है कि हाँ अगर अपने शोहरों के लिए अपने घर वालों के लिए महरम रिश्तेदारों के लिए कर ले तो उसमें कोई हरज नहीं है क्योंकि तो औरत के अंदर एक फितरी ख्वाहिश तो है इसलिए कहा गया कि शोर के लिए बने समरे और शोहर को चाहिए कि वो उसकी इस फितरी ख्वाहिश को पूरा करे उसकी तारीफ़ करे हाँ ये शोहर को चाहिए या वालदेन को भी चाहिए अपनी जो बेटियाँ होती हैं कि उनकी तारीफ़ कर दिया करें क्योंकि जब वालदेन नहीं करते शोहर नहीं करते तो फिर क्या होता है कि वो फिर बाहर से जो है ना कहीं से तारीफ़ लेने की कोशिश करती हैं और बाहर तो वो फिर भेड़िए बैठे हैं वो थोड़ी सी तारीफ़ के बदले बहुत कुछ वसूल कर लेते हैं सब कुछ छीन के ले जाते हैं उसका और उसे बहुत बाद में जाके एहसास होता है लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हो पाता तो कहा गया कि औरतें भी जो है वो अपनी जीनत जाहिर ना करें सिवाय इसके कि जो खुद जाहिर हो जाए अपने आप को समेट के रखें छुपा के रखें हाँ उनके सामने अपनी जीनत ज़ाहिर कर सकते हैं जो उनके शोहर हैं जो उनके भाई हैं जो उनके बेटे हैं जो उनके भांजे हैं जो उनके भतीजे हैं वो फिर एक फहरस्त कुरान ने बयान की है जो करीबी रिलेटिव हैं रिश्तेदार हैं वो कोई हर्ज नहीं है नेक्स्ट आयत में निका का हुक्म दिया जा रहा है कि निका को आम करो एक तरफ़ जिना के रस्ते बंद किए और जो जिना की तरफ जा रहे थे यानी बदनजरी है ठीक है इसी तरह से एक दूसरे के घर में बगैर इजाज़त के घुस जाना तो जितनी चीज़ें थी उनके ऊपर जो है वो कदगने आयद की तोहमतें लगाना जनाह के बारे में जो है वो तशहर करना किसी की जनाह के बारे में उसके ऊपर पबंदियाँ लगाएंगी जना को बंद करने के जो है वो बहुत से अहकाम दिए गए दूसरी तरफ निकाह को रवाज दिया गया निकाह को आम करो फैमिली जो है उसको वजूद में लेके आओ ख़ानदान को रवाज दो तो, जैसे यूरोप में फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया क्योंकि जिना आम हो गया ना अब इंसान की ख्वाहिश वैसी पूरी हो रही है तो वो कहता है अगर मुझे बाहर से जो है वो दूध मिल रहा हो तो मैं क्यों भैंस पालूँ उसका ख़र्चा क्यों बर्दाश्त करूँ ये सूरत हाल बनी हुई है को बाप बनने को तैयार ही नहीं है आप क्योंकि उसकी ख्वाहिशात वैसी पूरी हो जाती हैं हमारे यहाँ तो यह है कि वो कहा गया कि ऐसी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते तो अब आप बीवी का बोझ उठाओ माली बोझ उठाओ उसके बच्चों का भी उठाओ जिम्मेदारी उठाओ इस तरह से एक बैलेंस लाइफ गुजारो ख्वाहिश भी पूरी होगी और ज़िम्मेदारी की वजह से वो ख्वाहिश जहन पर सवार नहीं होगी बैलेंस रहोगे बैलेंस लाइफ ये नहीं कि हर वक्त इंसान के जहन पर जो है वो ख्वाहिश ही सवार जिनस की ख्वाहिश और वो जिसी हैवानी बन के रह जाए ऐसा नहीं होगा फिर तो फैमिली लाइफ में आके अपनी ख्वाहिश को पूरा करो वन के हल अमिन को मसवाल ही निन देखो निका कर दिया करो निकाहों का जिनकी शादी नहीं उनकी निका करो ये सोसाइटी में हम लोगों को मुखातब किया जा रहा है खास तौर पर वालदेन को और जो तुम्हारे नेक ग़ुलाम हैं लोंडियाँ हैं उनकी भी अपने मुलाजमों की भी निका करो अब तो गुलाम लोंडी नहीं है लेकिन मुलाजिम तो हैं उनकी भी निका करो निका को आम करो अब तो ये होता है कि वालदेन अपनी बेटियों को बिठाए रखते हैं थर्टी प्लस में हो जाते हैं थर्टी फाइव ओवर एज हो जाते हैं शादियाँ नहीं होती क्योंकि इतनी लंबी लंबी फहरिश्ते हैं ये होना चाहिए वो होना चाहिए मर्द की तरफ से भी औरत की तरफ़ से भी लड़की की तरफ से भी लड़के की तरफ से भी ऐसी ऐसी डिमांड्स हैं जब ओवर एज होते हैं फिर रिश्ते मिलते ही नहीं और आप एक पूरी नस्ल आगे आ रही है बगैर शादियों के बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है और जिनकी हो भी रही हैं बहुत जल्दी डाइवोस हो रही हैं तो एक्सपेक्टेशन लेवल इतने ज़्यादा बढ़ गए उसको कोई मीट ही नहीं कर पा रहा बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की सूरत है हमने इस हवाले से जो है वो एक जवाज कोर्स जवाज कोर्स जवाज कोर्स में मैरिज कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है वो आठ एपिसोड में यहाँ पर हमने नाहत चैनल के तहत जो है वो उसको रिकॉर्ड करवाया उसको देखें फैमिली लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं मैरिटल लाइफ के फिर उसके सोलूशनस किया बहुत प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से हमारा खानदान का इदारा जो है वो टूट रहा है बहुत सी आजमाइशों का शिकार है तो फरमाया जा रहा यकून फ़ुक्रा योगफली उनकी शादी इसलिए नहीं कर रहे कि वो फ़कीर हैं मोहताज हैं मर्द के पास कुछ नहीं है जॉब नहीं लगी अभी पंद्रह बीस लाख होना चाहिए शादी के लिए फिर शादी करेंगे और जना करने के लिए तो उसको दो सौ चार सौ रुपये चाहिए किसी भी ट्रैफिक सिग्नल से कोई लड़की पकड़े और ले चला जाए ये सूरत है तो ज़िना क्यों नहीं आम होगा जब जिन्हा इतना सस्ता हो जाएगा और निका को इतना महंगा कर दी और वो पंद्रह बीस लाख करके शादी करते हैं वो दो हफ्ते नहीं चलती तो पैसों से कौन सी शादी चलती है करोड़ों लगा दें पैसों से शादी नहीं चलती शादियाँ चलती हैं अखलाक से रवैयों से वो अखलाक रवैये कैसे बेहतर होंगे दीन पढ़ने से दीन पढ़ें दीन को स्टडी करें दीन के साथ अपना ताल्लुक बेहतर करें अल्लाह का डर और ख़ौफ पैदा होगा तो फिर दूसरे के हक़ अदा करेंगे ना अल्लाह का डर और ख़ौफ है ही नहीं खेंचता नहीं चली रहेगी वो कहेगा मेरा हक हाँ, वो कहेगी मेरा हक हाँ। बस इसी लड़ाई में जो है वो सेपरेशन हो जाएगी तो फिर मैं कहगी अगर वो फ़कीर हैं तो अल्लाह ताली उनको गनी कर देगा इस डर से शादी नहीं कर रहे कि फ़कीर है नहीं करो शादी करो अपने आप को बचाओ अब हमारे यहाँ क्या होता है चौदह पंद्रह साल में बच्चा जवान हो जाता है तीस साल में जाके उसकी शादी हो रही है उसकी पूरी जवानी जो है पूरी जवानी जो है आजमाइश में गुजरती है कोई कोई अपने आप को बचा लेता होगा लेकिन अक्सर और बेशतर क्या है बदकारी में पड़ जाते हैं और नहीं तो गंदी वीडियोज़ देखना शुरू कर देते हैं या मैसर बिशन में पड़ जाते हैं कहीं ना कहीं जा के जो है वो कोई ना कोई नफसियाती मरीज़ भी बन जाते हैं मेंटल इनस का शिकार हो जाते हैं पोन एडिक्ट हो जाते हैं बहुत मसाइल हैं बहुत मसाइल हैं मेल्स में भी फीमेल्स में भी ये शादियाँ ना करने की वजह से है और उसमें भी ख़ास तौर पर पे पेरेंट्स तवज्जो नहीं दे रहे और फिर ख़ानदान में अगर पेरेंट्स नहीं दे रहे चाचा है मामू है कोई बड़ा है जिसको अल्लाह ताली ने समझदार बनाया तो वही तोज्जो दिला दे वालदे को दिला दे भाई शादियाँ करो इनकी हर एक ने जो है वो इतनी एक्सपेक्टेशन रखी हुई हैं कि ऐसा रिश्ता ऐसा रिश्ता वो रिश्ता कभी मिलता ही नहीं है हाँ किसी को कोई आइडियल मिल जाता है बड़े सालों के बाद उसे हाँ लगता है हाँ भाई ये मेरा आइडियल है और वो उसे शादी करना चाहता है वो कहता है भाई तुम मेरे आइडियल नहीं हो मैं तो तुम्हारा हूँ लेकिन तुम मेरे आइडियल नहीं हो मैं तुमसे नहीं कर सकता ये सूरत हाल है शादियाँ करें बस जिंदगी है थोड़ी सी जिंदगी है बस कितनी ज़िंदगी है ये साठ साल की बीस साल तो वैसे ही गुजर जाते हैं बाकी चालीस साल है चालीस पचास साल है बस वो गुजारने आपने असल लाइफ तो आखरत की लाइफ है वहाँ पे जो हकीकी ज़िंदगी है इतनी लंबी ज़िंदगी उसमें आपका लाइफ पार्टनर ये छोटी सी जिंदगी के लिए चले ठीक है मेहनत करनी चाहिए जांच पड़ताल कर लें अब उसके लिए आधी जिंदगी लाइफ पार्टनर तलाश करने में गुजार दें बस ठीक है ऐसी इंसान है सारे इंसान ऐसी हैं बस गुज़ारा करें और अल्लाह ने जो ये ज़िंदगी बनाई है आजमाइश में से कामयाबी से गुज़रना है बस वो किसी तरह से गुजर जाए बस नेक्स्ट हयात में अल्लान व तौल बंद मोमिन के दिल में जो ईमान का नूर है उसकी मिसाल बयान कर रहे हैं बहुत प्यारी मिसाल है कुरान मजीद का बहुत प्यारा मुकाम है जमीन और मैं अला ज़मीन और आसमानों का नूर है और अल्लाह के नूर की मिसाल जैसा कि एक ताक चाहे ज़माने में जैसे घरों में वो बड़ा सा एक आला जिसे हम कहते थे अपनी पटवारी ज़ुबान में तो उस आले में जो है वो एक चराग वो चराग रखते थे या एक बत्ती रखते थे उसकी रोशनी पूरे घर के सन में फैल जाती थी तो वो चिराग जो है वो शीशे के बर्तन में है और वो चिराग ऐसे जैसे कोई रोशन सितारा हो और वो जो चिराग जल रहा है वो जैतून के दरख्त के तेल से जो ना मशरकी है ना मगरबी है यानी जैतून का दरख्त जो है जो झुंड के दरमियान में होता है सारा दिन उसके ऊपर जो है वो सूरज की धूप पड़ती है तो सारा दिन जिसके ऊपर धूप पड़े तो आप उसका तेल बहुत अच्छा होता है तो यानी एक तो जैतून का तेल और दूसरा जैतून के उस दरख्त का तेल जिसका तेल इंतहाई खालिस अब वो खालिस तेल जलेगा तो रोशनी पैदा करेगा फिर वो चराग जो है वो एक शीशे के बर्तन में उससे शीशे के बर्तन में होने की वजह से रोशनी और बढ़ गई फिर वो ऊंचे मुकाम पर है उससे रोशनी और फैल गई यानी इंतहाई रोशनी की मिसाल जो कदीम ज़माने में हो सकती थी वह अल्लाह त बयान की कि बंदा मोमिन के दिल में जो ईमान का नूर है वो ऐसे होता है यानी ताकचे से मना जैसे ये सीना है ये एक ताकचा है उसके अंदर एक चराग है जो इंसान का दिल है ठीक है और उस चराग के अंदर फिर दिल के अंदर जैसे वो जैतून का तेल जैसे जल रहा है तो इसी तरह से इंसान के अंदर जैसे ईमान की जो कैफियत है तो ये बंद मोमिन के अंदर जो है वो नूर की कैफियत होती है और जो सही मानों में ईमान लाने वाला है उसे ये नूर की कैफियत महसूस भी होती हैं जो सही मानों में दीन इस्लाम को प्रैक्टिस करने वाला होता है अखलास के साथ सिंसेरिटी के साथ और सुन्नत के मुताबिक उसे ये सारी कैफियात महसूस होती हैं ये जो नूर है उसे बाकायदा महसूस होता है तो अल्लाह सुबहान तर मारें नूर नूर यानी यहाँ दो नूरों का तस्करा किया एक तो ये ईमान का नूर और एक उससे पहले बंद मोमिन में एक और नूर होता है जैसे नूर फितरत कहते हैं यानी बंद मोमिन फितरी तौर पर तबाह शरीफ उन्नफ होता है यानी अभी वो इस्लाम की तरफ नहीं भी आया ना तो पैदाइशी तौर पर उसके अंदर शराफत होगी उसके अंदर अमानत होगी उसके अंदर सिद्क यानी सच्चाई होगी उसके अंदर इखलास होगा वो लोगों के काम आएगा वेलफेयर का काम करेगा नूर अला नूर तो एक तो फ़ितरत में उसके नूर था नेकी थी और एक फिर उसके ऊपर वही की रोशनी भी आ गई वही की नेकी भी आ गई वही का नूर भी आ गया तो नूर अला नूर हो गया नेक्स्ट हयात में अल्लाह सुबह वाली ये बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ने उन लोगों से वादा किया है कि जो ईमान लेके आए और नेकमल करें लियस्त खलफन फिल्लारस कमस्तलफल्लिन अमिन क़बले हैं कि अल्लाह ताली उन्हें ज़मीन में खिलाफत अदा करेगा यानी उन्हें ज़मीन वही बात जो पहले पिछले पारे में भी गुजरी कि ज़मीन का अल्लाह तौर उन्हें वारस बनाएगा जैसा कि पिछली कौमों को अल्लाह ने ज़मीन में खिलाफत और नियाबत अदा की दो शर्तें अगर जो है मुसलमान सही मानों में ईमान ले आए और नेक अमल करते रहें तो फिर अल्लाह ताला तो उन्हें ज़मीन की खिलाफत अदा करेंगे लेकिन उसके लिए उन्हें नेक अमल करना पड़ेगा सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं है ईमान तो लाना ही है ज़ुबान से भी ईमान लाना है दिल से भी ईमान लाना है ठीक है और उसके साथ साथ अपने अमल की भी असलाह करनी है जैसे कहते हैं बंदे का पुत्र तो बनना पड़ेगा मुसलमानों को तो मुसलमान अगर दीन इस्लाम को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें सही मानों में हमने कहा था कि हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे जो उसकी ज़िम्मेदारी है जैसे सूरह मोमिन की शुरू की आयात हमने पढ़ ली उन्हीं को अपने जहन में ले आए अमले साले के तौर पे ठीक है कि लोग अपनी जो है वो अमानतों को पूरा करें जो उनके पास सरकारी अहदे हैं उनमें ख़यानत ना करें अपनी अथॉरिटी को अब्यूज़ ना करें और अल्लाह की भी इबादत करें अखलाक को भी बेहतर बनाएँ ठीक है ना दो ही चीज़ें हैं अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक बेहतर हो जाए यानी हमारी इबादत अच्छी हो जाए बंदों के साथ हमारा ताल्लुक बेहतर हो जाए यानी हमारे अख्लाक अच्छे हो जाए और अखलाक से मुराद ये प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है कि एक सेल्समैन जो है वो चाय की प्याली आपको इसलिए पिल पिला रहा है कि उसको पता है कि मैंने इसकी जेब से इसके पैसे काट लेने या बोतल आपको इसलिए ऑफ़र कर रहा है कि उसको पता है कि मैंने इसकी जेब से इसके पैसे काट लेने ये सेल मैनू वाले अखलाक नहीं अखलाक वो जो इस्लामी अखलाक हैं जो हमारे इल्म में है किसी के साथ नहीं करना किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी किसी के साथ धोखा नहीं करना किसी के साथ फ्राड नहीं करना है नहीं बोलना किसी कीत नहीं करनी चुगली नहीं खानी किसी की जो है वो ज़मीन नहीं दबानी किसी से रिश्वत नहीं लेनी किसी से सूद नहीं खाना ये ये जो अखलाक हैं किसी का बातिल तरीके से गलत तरीके से माल नहीं खाना फरेब से झूठी कस्में उठा के नहीं वलायमक् नमदीन तज़ा वलाबाद ख़ौफ अमना और फिर हम ज़मीन में उनको तमक्न देंगे इकतदार देंगे और खौफ के बाद अमन की जो है वो कैफियत पैदा हो जाएगी यानी अभी तो वो डर रहे हैं लेकिन फिर अमन की हमारे यहाँ देखे यहाँ पाकिस्तान में लोग मायूस हो चुके हैं सही बात है सिस्टम से मायूस हो चुके हैं जो अच्छा से इन्हें बाहर जा रहा है ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान में अपनी सलाहियतें लगाने को तैयार ही नहीं है क्या करें इस मुल्क में ना आपकी लाइफ सिक्योर है ना आप जैसे एक साहब जो बाहर रहते हैं वो तबसरा कर रहे थे कि यहाँ पाकिस्तान में आके ऐसे लगता है जैसे सब फ्रस्ट्रेटेड है सब जुल्मी इतना है क्यों ना फ्रस्ट्रेशन हो हर बंदा हर महकमा आपको खाने को तैयार बैठा हुआ है आपके साथ उसने रवा रखा हुआ है हुकूमतें तो कर ही नहीं हैं नीचे जो उनके कारिंदे हैं वो जो आपके सर के ऊपर मुसलत है वो जो आपके साथ हो रहा है ऐसी अजीब वो गरीब किस्म की आप कह लें कि जी सूरत हाल बनी हुई है तो बंदा क्यों ना फ्रस्ट्रेटेड हो और फ्रस्ट्रेशन इधर उधर निकलती रहती है असल मसले को कोई नहीं हल करता कि ये फ़्रस्ट्रेशन कहाँ से पैदा हो रही है भाई इसके पीछे वो जुल्म है वो जालमाना निज़ाम है वो बंदा हर जगह उसको जो है वो रगड़ा लगाई जा रहे हैं कहीं पर जो है वो गलत कानून शादी करके जो है वो उसके ऊपर मजीद जुलम किया जा रहा है और कहीं पे वो कानून तो बना हुआ है लेकिन वो कानून प्रैक्टिस ही नहीं हो रहा कोई उसको पूछ ही नहीं रहा कोई उसको लिफ्ट ही नहीं करवा रहा कानून को को पूछने वाला ही नहीं है लॉ एंड आर्डर जो है वो उसकी सिचुएशन पूरी तरह से मुतासर है ये सूरत हाल है कहीं कानून ठीक नहीं है कहीं कानून है तो उसकी ध्जियाँ उड़ाई जा रही हैं तो ऐसे में हर बंदा परेशान फ्रस्ट्रेटेड है वो क्या करे कुछ कर ही नहीं सकता अकेला क्या करे इतने बड़े सिस्टम में क्या कर सकता है जहाँ इतने बड़े मगरमच्छ बैठे हो क्या कर सकता है वो कुड़ता है फिर वो फ्रस्ट्रेशन आम जो अवास होती है उसकी फ्रस्ट्रेशन वो फिर निकलती है तो ये खौफ की कैफियत अमन में बदल जाएगी तो हम कह रहे थे कि यहाँ से लोग बाहर क्यों जाते हैं फॉरन कंट्रीज़ में यार वहाँ कम अज़ कम सुकून है अतमिन है ठीक है आपको ये पता है कि जो हमसे लेंगे वो बस वही जायज़ हक होगा वही लेंगे ज़रूरत से जायद नहीं लेंगे धोखा दही नहीं करेंगे फ्रॉड नहीं करेंगे मिलावट नहीं होगी चीज़ों में तो अल्लाह सुवान वा कह रहे हैं कि अगर अहली ईमान ये काम कर लें कि ईमान लाने के बाद अपना अमल ठीक कर लें तो अल्लाह ताली उन्हें ज़मीन का इकतदार भी देंगे और ये ज़मीन उनके लिए पुरमन हो जाएगी पीसफुल हो जाएगी खौफ की कैफियत जाती रहेगी या बुधू नीलाशरक़ून नबीश या फिर वो मेरी इबादत करें मेरे साथ किसी को शर्क न ठहराएं लेकिन जो कोई इसके बाद कुफर करेगा तो वही लोग फ़ासक हैं जो इस, इस इसके ऊपर नहीं आ रहा तो वो आप फासिक व फाजिर हैं जो ये करने को तैयार नहीं है ईमान के बाद अपने अमल दुरुस्त करने को तैयार नहीं है तो वो फासिक हैं फिर वो नहीं चाहता कि सोसाइटी जो है वो सही बुनियादों के ऊपर पुरस्तवार हो ये कौम जो है वो सुधरे वो चाहता ही नहीं है कि ये कौम सुधरे वो बस अपनी अयाशी चाहता है बस अपनी मौज मस्ती चाहता है वो बस अपना पेट का दोजक जो है वो भरना चाहता है वो बस चाहता है कि अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ले अपनी बीवी बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर ले भले जो है वो सारी कौम जहन्नुम में उसको झोंक दे भले जो है वो उसकी खातिर कितने लोगों की ज़िंदगी जो है वो दाव पे लग जाए ये सूरत हमारे यहाँ सियासत के लिए कितनी कतल वत होती है कराची में देखें कितनी किलिंग होती है सियासत के लिए दो चार सीटों के लिए हमारे यहाँ कितनी कतल वत हो जाती है नेक्स्ट हयात में फिर पर्दे के हवाले से कुछ अहकाम का तस्करा है तौर पर घरों में जो आपके करीबी लोग होते हैं आने जाने वाले जैसे घरों में आपके मुलाजिम हैं दस साल पंद्रह बीस साल से मुलाजिम है महरी बात है वो घरों में आते जाते हैं काम काज करते हैं तो अब उनके लिए कहा गया कि तीन किस्म के औकात हैं जिसमें वो इजाज़त ले गए और तीन किस्म के अवत में ये भी कहा गया कि आपकी औलाद को भी आपसे इजाजत ले के आपके बेडरूम में आना चाहिए क्योंकि ये तीन पर्दे के औका हैं क्या क्या कि ईमान जो तुम्हारे गुलाम हैं या आजकल कहें जो तुम्हारे मुलाजिम हैं और तुम्हारे वो बच्चे जो अभी बलुगत की उम्र को नहीं पहुँचे डिपेंडेंट हैं तुम्हारे ऊपर तो तीन जो औकात हैं यानी फजर से पहले और दूसरा जोहर के वक्त जब तुम कैलूला करते हो जोहर के वक्त भी बंदा बातों आराम करने के लिए लेट जाता है तो मियाँ बीवी ये उनके पर्दे के अवत हैं और तीसरा इशा के बाद का वक़्त जिसमें मियाँ बीवी ज़रा खुले हो लेटते हैं ऐसे में जबकि मियाँ बीवी जो है वो आपस में राजज की बातें कर रहे हों या आपस में जो है वो रोमांस की कैफियत में हो तो बच्चे अगर अचानक आ जाएँ या कोई मुलाजिम आ जाए तो ई बात है वो भी इसको जो है वो अच्छा महसूस नहीं करेंगे तो मियाँ बीवी को भी एक तो एहतियात करनी चाहिए और दूसरा ये है कि बच्चों को भी इस हवाले से जो है वो हिदायत होनी चाहिए कि जब भी आना है बेडरूम का दरवाज़ा जो है वो नाक करके आना है सहाबा में भी असल में बाज़ तफसीरी रवायात में मिलता है कि हरत उमर जिलान हो अपनी अहलिया के साथ जो है वो पर्दे की हालत में थे आ, तो ऐसे में जो है वो उनके बेटे वो दाखिल हुए और उन्होंने अपने वालदे को इस हालत में देख लिया जिससे एक अजीब सी कैफियत बाज़ात वाले के लिए भी पैदा हो जाती है तो उस पर फिर ये आयात नाजुल हुई के अल ईमान अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दो उनको हिदायत दो कि ये जो ओकात हैं इनमें जो है वो जब भी आए तो दरवाज़ा वगैरह जो है वो खटखटा के आए वैसे मियाँ बीवी भी, 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 भी इस मामले में एहतियात कर लें कि अपने बेडरूम के दरवाज़े को जो है वो लाख लगा लिया करें लेकिन कभी वो भूल भी जाते हैं तो ऐसे में अचानक जो है वो बच्चे या उनके कोई मुलाजिम उनके ऊपर जो है वो दाखिल ना हो घर में काम करने वाली मेड्स होती हैं ताकि जो है वो उनके लिए कोई ऐसी कैफियत ना पैदा हो कि जिसमें वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अनकम्फर्टेबल फ़ील करें बाज़कात हो जाता है बाज़ बच्चों ने जो है वो अपना ये फीलिंग भी जो है वो ज़िक्र की है कि जब भी उनके वालदेन जो है वो किसी दूसरे कमरे में अकेले होते हैं तो उनको बस जैसे कोई ओ सी डी हो जाती है मतलब उनके दिमाग के ऊपर ख़्याल जो है वो सवार हो जाता है कि उनके वालदे पता नहीं क्या कर रहे हैं आपस में तो इस किस्म के उनको जो है वो वसाविस आते हैं तो खैर उसकी वजह यही होती है कि किसी आ, मतलब नामाक़ूल हालत में उन्होंने अपने वालदान को किसी वक़्त में देख लिया अब उसके बाद से उनके दिमाग में जो है वो ये बात बैठ जाती है और हर वक्त उनके जहन पर ये बात जो है वो सवार भी रहती है और ये चीज़ फिर उनके लिए परेशान कौन भी बन जाती है तो इसलिए वालदेन को भी इस हवाले से जो है वो एहतियात करनी चाहिए कि बच्चों के लिए भी जो है वो आजमाश ना बने खासतौर पर अपने नौजवान बच्चों के लिए जो कि शादी की उम्र के करीब हों तो या तो उनकी भी शादियाँ करें नेक्स्ट हयात में जो है वो बूढ़ी खुवान के लिए पर्दे के अहकाम को जो है वो बयान किया जा रहा है कि बूढ़ी जो खवातन होती हैं जो ख़ास तौर पर सिन्यास को पहुँच जाएँ यानी जैसे फिफ्टी या फिफ्टी फाइव प्लस में खातन होती हैं जिनके मैंसिस जो है वो ख़त्म हो जाते हैंज़ का खून जो है वह आना बंद हो जाता है तो उनके लिए पर्दे के अहकाम में कुछ नरमी कर दी गई कि अगर वो फेस कवरिंग ना भी करें सिर्फ अपना जो है वो सर लिया करें तो उसमें कोई हरज नहीं है तो कह, कहा गया है कि बड़ी उम्र की औरतें जो है जो निकाह की उम्मीद नहीं रखती यानी अब निकाह की उम्र से गुजर चुकी हैं बूढ़ी हो चुकी हैं तो उन पर कोई गुनाह नहीं है आई यजाना सयाहन्ना कि वो जो इजाफ़ी कपड़े हैं अगर वह उनको उतार रखें मतलब जो फ़ेस कवरिंग वगैरह अगर वह ना करें गैर मुतबरजात में लेकिन जेब वीनत वो भी ना करें वो भी अच्छा नहीं है कि जेब वीनत करके वो बाहर निकले वहींफिफ ना खैरल्ला लेकिन अगर वो फिर भी आ, अगर निकाब करती हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है यानी जो उनको रुखसत दी गई है अगर वो रुखसत अवेल नहीं करती और इजाफी कपड़े भी जो है वो अपने ओढ़े रखती हैं तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है नेक्स्ट सूरफ अरकान है सूरफ अरकान भी मक्की सूरत है तो मक्की सूरतों के जो मदामीन है तो रिसालत और आखरत ये भी उसका मौजू है तो सूरफ अरकान के अंदर शुरू में ही हमें रिसालत का जो अकीदा है आ, उसका तस्करा हमें मिलता है कि मुशरिकीन जो थे वो अल्लाह के रसूल वसलम के ऊपर जो इतराज़ा करते थे उनमें एक बड़ा इतराद ये भी था कि आप आम इंसानों की तरह हैं जैसे आम इंसान बाज़ारों में चलते फिरते हैं खाना खाते हैं इसी तरह आप भी बाज़ारों में चलते फिरते हैं आप बाज़ारों में जाके तबलीग करते थे और आप खाना खाते हैं यानी उनके देर में यह था कि रसूल को ना कोई माफोकफ़रत सुपर नेचुरल किस्म की चीज़ होनी चाहिए कोई फरिश्ता हो तो तो फिर हम उसके ऊपर जो है वो ईमान लेके हैं तो उन्होंने कहा कि इस रसूल को क्या हो गया ये खाना भी खाता है बाज़ारों में भी चलता है इस रसूल के ऊपर कोई फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल हो जाता जो फरिश्ता होता वो हमें डराता और यही कंस या कोई ख़जाने जो है वो इस रसूल के कदमों में ढेर कर दिए जाते या तकून लहू जन्ना या इस रसूल के पास कोई बगात होते या कुलना जिसमें से ये खाता वक़ालत ालमुन इन तद तबियों ने रजुल मसूरा तो वो जालिम क्या कहते थे कि तुम एक ऐसे आदमी की पैरवी कर रहे हो जिसके ऊपर माजिला जादू कर दिया गया इस तरह से इतराजात करते थे कि रसूल का सोशल स्टेटस नहीं है उसके पास बागात नहीं है उसके पास चौधराट नहीं है उसके पास सोने चांदी के ख़जाने नहीं हैं उसके साथ फरिश्तों की जैसे उनके हाथ था कि जी को बड़ा वडेरा और चौधरी होता है आगे पीछे उसके जो है वो बॉडी गार्ड्स हैं ठीक है उसके पास ज़मीें हैं जायदादें हैं और उसके ज़रिए से उसने लोगों को जो है वो अपना फॉलोअर बना रखा है रसूल का मामला ये नहीं होता कि वो ताकत के बल पर लोगों के पीछे चलाए वो तो इंसानों के दिल जीतता है इंसानों के दिल जीतता है तो लेकिन ये बात उनको समझ नहीं आ रही थी और वो रसूल को जो है वो एक आम सरदार और चौधरी और वडेरा और एक जो आम बादशाह होता था उसके ऊपर जो है वो क्यास कर रहे थे नेक्स्ट आयात में अल्लाह अल्ला ये बात बयान कर रहे हैं कि ए नबी से सलम ये जितनी बातें कहते हैं कि दी आपके पास ये नहीं है सोशल स्टेटस नहीं है मालो दौलत नहीं है आपके पास चौधराहट नहीं है सरदारी नहीं है अगर हम चाहें तो ये आपके कदमों में ढेर लगा दें ठीक है तबारक लल्दी इनशा जया का खैरमिन का अल्लाह तै चाहे तो इससे ज़्यादा आपको दे दे जो ये आपको गिनवा रहे हैं जो फहरिस्त आपको बता रहे हैं इससे ज़्यादा दे दे अल्लाह जो है वो आपके लिए यहाँ जो है वो नहरें बहा दे और आपके लिए अल्लाह ताली महल्लात खड़े कर दे लेकिन बात यह है कि इन्होंने फिर भी नहीं माना इन्होंने फिर भी नहीं माना हमारे यहाँ भी बाज़ात एक दाई के जहन में ये बात आ जाती है कि भाई मैं कोई बहुत अच्छा सोशल स्टेटस इख्तियार करूँ मैं जो है ना कोई बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमू फिरूँ ठीक है मैं को बहुत अच्छा जो है वो लिबास पहनूं मेरे को महलात हों आगे पीछे बॉडी गार्ड्स हों मेरा कोई जो है वो टैका हो तो इससे लोग जो है ना वो दीन की तरफ रागे होंगे नहीं क़ुरान ने कहा कि देखो बात यह है कि रसू रसूलों को अल्लाह ताला ने ये दे के नहीं भेजा क्यों नहीं दे के भेजा उसकी वजह यही थी कि अल्लाह ताला अगर इससे ज़्यादा भी दे, दे देते बल्कि तब वो बिस्सा असल में वो ईमान ही नहीं, नहीं लाना चाहते वो दिल से आखरत को जुटला चुके हैं ये सब कुछ तुम दिखा भी दोगे ना ये शान शौकत फिर भी वो ईमान नहीं लाएंगे फिर भी वो दीन की तरफ नहीं आएंगे जिसने आना है उसने आना है उसने आना ही है ये आपकी शान व शौकत से जो है ना आपकी जो है वो चहल पहल से रौनक दौनक इसको देख के कोई दीन की तरफ जो है वो संजीदगी से मुतवज़ नहीं होने वाला तो इसमें ना रहे तो बलका रब वसा बल्कि उन्होंने जो है वो कहमत को जुटला दिया आतदनाली मन का रब्सा आतिस सैर तो जिन्होंने क्यामत को जुटलाया हमने उनके लिए जो है वो बढ़ती हुई आग को तैयार कर रखा है बाकी ये कि अगर अल्लाह ने किसी को दिए तो गहरी बात है वो तो नज़र आना चाहिए ना उसके ऊपर हाँ लेकिन हम इसलिए जो है वो सारा वो लाइफ स्टाइल इख्तियार ना करें वो उमरा वाला कि जी वो दीन की तरफ आ जाएंगे ये तो खैर एक पुराना एक शुबा है जो कि नबियों को भी डाला गया था और कुरान ने उस पर तबसरा कर दिया तो ये हमारा जो है वो अठारहवं पारा था तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह उन्नीसवें पारे के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जज़ाकुम अल्लाह खैर वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू